हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीकली टैरेटोस्कोप लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो हफ्ता है आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आप कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसको लेकर क्या संदेश यहाँ से हमें मिलने वाले हैं। सो इस रीडिंग को देखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी राशि का पता कर लें अगर आप नहीं जानते हैं तो, और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि नाम की राशि के आधार पर ये रीडिंग देखनी है या जन्म की राशि के आधार पर। जैसे भी अभी तक आप वीकली प्रेडिक्शंस देखते रहे हैं, आप उसी तरीके से ये रीडिंग भी देख सकते हैं। जहां तक मैं जानती हूं, सभी लोग आई थिंक न्यूज़पेपर के जरिए या मैगजीन्स के जरिए या आर्टिकल्स के जरिए अपनी राशि देखते आए हैं, राइट? तो अगर वो आपसे रेजोनेट करता है सो यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो भी आपसे रेजोनेट ही करने वाली है। कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि कौन सी राशि हमें देखनी चाहिए, तो मैं यही कहूंगी कि जो आपसे रेजोनेट करे, जिसका प्रेडिक्शन आपसे रेजोनेट करे। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि जन्म की राशि का प्रभाव उन पर ज्यादा रहता है और कुछ लोगों के लिए नाम की राशि का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो जो भी प्रेडिक्शन आपसे रेजोनेट करे, तो जो भी आपको बताया जाता है, अगर आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो या मैगजीन्स में देखते हो कि इस हफ्ते ये होने वाला है, महीने में ये होने वाला है, दोनों ही राशि के आधार पर, तो आप वो चेक कर सकते हो, राइट? एक हफ्ते के लिए, महीने के लिए, कि नाम की राशि से ये मैंने देखा था, जन्म की राशि से ये देखा था, कौन सा वाला आपसे रेजोनेट हुआ। ऑलराइट, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं जन्म की राशि को थोड़ा ज्यादा महत्व देती हूँ देन नाम की राशि से। बट अगेन, मैंने कहा कि अगर आपसे रेजोनेट करता है नाम की राशि का प्रेडिक्शन तो आप उसी पर जाओ। ओके, ऑलराइट गाइस, एक और बात कहना चाहती थी वो ये कि अगर आपको डेस्टिनी नंबर के आधार पर ये रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बताइए। प्रयास करूंगी कि हर हफ्ते वो रीडिंग भी मैं लेकर आऊं, लेकिन देन मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स उस पर हों। आई मीन, अगर आप लोग कहते हो कि आपको उस पर रीडिंग चाहिए डेस्टिनी नंबर पर, तो मैं फॉर श्योर वो रीडिंग लेकर आऊंगी। क्योंकि देन अगर आपको वो नहीं चाहिए है और फिर भी मैं लेकर आती हूँ तो वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो आप मुझे बता देना। अपनी राशि का आप पता कर लीजिए गूगल से, या फिर वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से पता कर सकते हैं। नहीं तो आपकी जन्मपत्री होगी तो उससे देख सकते हैं। तो आप अपनी राशि देख लें और फिर ये प्रेडिक्शन भी आप चेक करें। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहां से मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक है, मेल आईडी है। तो अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में, ब्रेसलेट्स के बारे में, या रीडिंग्स के बारे में, जो भी पर्सनल पेड रीडिंग्स हैं, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं, उनके बारे में जानना है तो वहां से आप पता लगा सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ जो इंट्रो है उसे जरूर से, इंट्रो नहीं कहूंगी, आपकी जो पाइल शुरू होती है उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको जरूर से नोट डाउन करें, क्योंकि वो आपके सेफ्टी के लिए है। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं बार बार वो इन्फॉर्मेशन नहीं डालूं, लेकिन जो बाकी के रीडिंग्स आते हैं 3 पाइल्स के 4 पाइल्स के, तो जैसे ही आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाते हो एक इन्फॉर्मेशन आती होगी। सो जो इस फैमिली में काफी लंबे समय से हैं उनके लिए तो मैं कहूंगी आप स्किप कर दें, आपको पता होगा कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन को आप स्किप ना करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा आज आपकी रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि इस हफ्ते में आप क्या कुछ देखने वाले हो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर देखेंगे क्या कुछ मैसेजेस आने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए अफर्मेशन भी रहेगा इस हफ्ते के लिए, तो वो आपने अपने डायरी में लिखना है या फिर आप उसे बोल सकते हो सुबह जागने के बाद, सोने से पहले। तो उससे जो भी इश्यूज होंगे
आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के, आपके गोल्स को लेकर जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ में, तो वो हट जाएंगे। चलिए एरीज, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स। सो एरीज, इस हफ्ते जो सबसे पहली चीज है आप रिसीव करने वाले हैं वो है बैलेंस एंड ढेर सारा प्यार आपके फैमिली मेंबर्स से, आपके फ्रेंड्स से, या फिर आपके रिलेटिव से, या जो लोग आपको जानते हैं, जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपके कोलीग्स, एंड अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो भी लोग आपके अंडर हैं, या आप पार्टनरशिप में हैं आप किसी के साथ, तो उनसे ढेर सारा प्यार, लगाव, सम्मान आपको मिलने वाला है। और वो प्यार सम्मान ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बैलेंस बिठाएगा इस हफ्ते। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा खुद को रोकते हो या काफी सारी बाउंड्रीज आपने बना रखी हैं, तो इस हफ्ते आप उनको भी तोड़ने का प्रयास करोगे, और ये आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि इसका असर आपके प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हो लेकिन आपके कुछ नियम हैं जिनको आप नहीं तोड़ना चाहते, या आप तोड़ नहीं पाते हो, उसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए। अब ये नियम ऐसे नहीं है जिनसे कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाए, या ये कुछ आदतें भी हो सकती हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो, राइट? तो अब ये आदतें ऐसी नहीं है कि अगर आप इनसे मुक्त होते हो तो आपका नुकसान होगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये नियम ऐसे नहीं है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाएगा। नियम कुछ इस तरीके से हैं कि शायद आप उनको फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपकी फैमिली चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई ऑफर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई ये आप प्रोजेक्ट पूरा करिए, इतनी आपको इसके लिए सैलरी मिलेगी या इतना आपको प्रॉफिट होगा, बट आपको अपने सिटी से किसी और सिटी में जाना पड़ेगा, अपने कंट्री से किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपके घर वाले आपको परमिशन नहीं दे रहे, राइट? तो आपने कुछ नियम बना के रखे हैं कि आप जो भी काम करोगे यहीं करोगे, इससे बाहर नहीं करोगे, ऐसे ऐसे करके कुछ भी, राइट? तो अब अगर आप ये नियम तोड़ते हो तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी, राइट? बट ये नियम बने हैं क्योंकि किसी और को आपने खुश करना है। सो जहां तक मैं देख पा रही हूं, इस हफ्ते में कोई भी ऐसा नियम है उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, या उस पर विचार करोगे, या कोई रास्ता निकालोगे, अपने घर वालों से बात करोगे। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि ये हो सकता है, इस तरीके के नियम या इस तरीके की आदतें जिनको बदलने पर आप ग्रो ही करोगे, आपका नुकसान नहीं होगा, और ये चीज आप जानते हो, बट किसी मजबूरी वश आप उनको फॉलो कर रहे हो, उन आदतों को या नियमों को, तो वो आप तोड़ोगे। किसी भी तरीके की लिमिट है ना, उससे आप बाहर निकलोगे, या किसी तरीके का डर है तो उससे बाहर निकलोगे। ये होगा इस हफ्ते, तो इस वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मैं कहीं ना कहीं आपको देख रही हूं कि आप उसको अपलिफ्ट करोगे, मतलब कि कुछ ऐसे चेंजेस लाओगे जिससे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो जाएगी। ओके, अब एक हफ्ते में कोई बहुत बड़ा जैकपॉट आपके हाथों में नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ शुरुआत हो जाएगी, ऐसा है कि छोटे 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 आपने चेंजेस किए तो फ्यूचर आप बना रहे हो, अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना रहे हो। तो प्रोफेशनल लाइफ में जो जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपको पता भी है, जितना कि मैं जानती हूं, जितना कि मैं समझ पा रही हूं, आपको पता है कि वो ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, तो फाइनली आप उनको हटाने का एक हटाने की प्लानिंग करोगे जो कि अभी तक नहीं कर रहे थे। हो सकता है बहुत ज्यादा आलस भी आप पर भारी पड़ रहा हो, तो वो आलस भी इस हफ्ते में नहीं देख रही हूं। एक लेसन और आपको मिलेगा इस हफ्ते, वो ये कि ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को लेकर पैशनेट हो तो वो चीज आपकी कैसे भी करके यूनिवर्स वो चीज आपको दे देगी, या वो काम आपका बनवा देगी। ओके, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे अगर अगर आप इस चीज को लेकर आपकी इच्छा इतनी तेज है, आप इतने यू नो इंटेंसिटी के साथ उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप कुछ भी ना करें, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑलराइट, अगर आप अगर एस्ट्रोलॉजी में जाओ और अपनी कुंडली भी देखो ना, तो जो कर्म का स्थान है ना, वो सीधा आपके भाग्य का जो हाउस है
उसको देखता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि भाग्य अच्छा होगा, कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, आपको काम करना है, भाग्य बनाना है। ओके, सो यहाँ पर वही चीज है, चाहे आपकी इच्छा कितनी भी तेज हो, चाहे किसी चीज के प्रति कितना भी लगाव हो आपको, बिना एक्शन लिए वो चीज आपको नहीं मिलेगी, वो काम नहीं होगा। ये लेसन आपको इस हफ्ते मिलने वाला है, और इसके लिए मैं देख रही हूँ कि आप तुरंत इसको समझोगे और प्रयास भी करने लग जाओगे कि ओके, मेरा ये शौक है तो मुझे अभी इस पर काम करना है, प्लानिंग करनी है और आगे बढ़ना है। चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर ही क्यों ना हो, मान लीजिए आप अगर किसी को पसंद करते हो और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि सामने से कॉल या मैसेज आएगा, वो प्रपोज करेगा, तो ये वाली जो आपकी थॉट है ना, ये बदलेगी इस हफ्ते। आप खुद एक्शन लोगे, अपनी तरफ से बात करोगे, मैसेज करोगे, ये सब कुछ होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को सलाह आप दें, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, सो मे बी ये सलाह आप किसी को दे सकते हैं। अगर किसी ने आपके सामने समस्या रखी है और आप सोच रहे हो कि क्या सलाह देनी चाहिए, क्या चीज उसके लिए काम करेगी, तो कहीं से आपको कोई आइडिया लगेगा और आप सामने वाले को ये आइडिया दोगे कि भाई इस तरीके से आपने आपकी जो प्लानिंग है उसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी चांस मुझे दिख रहा है कि आपको किसी तरीके की प्रॉपर्टी मिल सकती है, कैसे भी पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है, जो सडन गेन की हम बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। एक अबंडेंट अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है इस हफ्ते में, और ऐसा लग रहा है कि पहले या दूसरे दिन ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप छोटा सा कोई शॉप खोलना चाहते हो, एंड आप चाहते हो कि आप मेहनत करो और आपकी जिम्मेदारियां उठाओ, अपनी फैमिली को आप हेल्प कर सको, सपोर्ट कर सको, तो वो इच्छा भी आपकी इस हफ्ते पूरी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मैसेज मिलता है कि इस हफ्ते थोड़ा खुद का और ज्यादा ख्याल रखें, प्यार करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें प्यार करें, लेकिन हम खुद को प्यार नहीं करते। आई मीन एक्सपेक्टेशंस में हम खुद के साथ बुरा करने लग जाते हैं, क्योंकि हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले से हमें प्यार नहीं मिल रहा, तो जाने अनजाने हम भी खुद को तकलीफ देते हैं। यानी कि सामने वाला आपको तकलीफ दे रहा है, आप भी खुद को तकलीफ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको चाह रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, दुखी हो रहे हो, इससे आपके मन को भी फर्क पड़ रहा है और आपके शरीर पर भी उसका फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है एक्सपेक्टेशंस आप इस हफ्ते कम रखें और खुद को प्यार ज्यादा करें तो बेहतर होगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता का काफी ज्यादा अच्छा है, आप मन लगाकर पढ़ें और बेहतर होगा कि आसपास की चीजों पर ध्यान ना लगाएं, ठीक है? अगर इस हफ्ते आपका कोई एग्जाम वगैरह है, जो कि मुझे लग रहा है कि है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो जरूरी है कि पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, फोन बार बार चेक ना करें, टीवी ज्यादा नहीं देखना है और ना ही गॉसिप वगैरह में आपको टाइम वेस्ट करना है, ठीक है? ग्रीन टी आप इस हफ्ते पी सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड या तो जो काढ़ा पीते हैं ना, काढ़ा, वो आप बना के पी सकते हो। फॉर सम रीजन मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और थोड़ा ना खाली समय अपने साथ में बिताएं, आई मीन थोड़ा ऐसा करें कि काम से ब्रेक लेकर कुछ मिनट्स अपने साथ बैठें और अपने बारे में समझें कि आप क्या हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर ये भी दिखाई देता है कि इस हफ्ते आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप किसी भी कंफ्यूजन में हैं तो आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप थर्ड पार्टी हैं या कोई और थर्ड पार्टी आप के कनेक्शन में है, या आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप है, वहां पर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी कहीं भी हो सकती है, हमेशा कनेक्शन नहीं होता, पार्टनरशिप आई मीन बिजनेस को लेकर भी हो सकती है, राइट? या फ्रेंडशिप में भी ऐसा हो सकता है। तो यहां पर मैं देख रही हूँ कि आप बाहर निकलोगे उससे, कोई और है या आप खुद हो थर्ड पार्टी, जो भी है,
आप उससे बाहर निकलोगे, क्योंकि आपको ये, आप ना ऐसा सोचोगे कि मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत हो गया, राइट? आपका फोकस कहीं ना कहीं आप पर होगा, तो आप एक नई शुरुआत करना चाहोगे। आप उस तरीके के व्यक्ति मुझे बनते हुए नजर आ रहे हो इस हफ्ते, कि अगर मेरे साथ कोई नहीं भी है तब भी मैं अकेली रह सकती हूँ, अकेला रह सकता हूँ और अपने साथ में सेलिब्रेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने लाइफ को, राइट? वो वाला कहीं ना कहीं एक एनर्जी, एक ऑरा यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है आपके लिए, और जो कि बहुत अच्छा है एक्चुअली, हम सबको ऐसा होना चाहिए। सो देख लेते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है इस हफ्ते के लिए, आपको क्या बोलना है, क्या चैंट करना है या क्या लिखना है आपकी डायरी में, और वो अफर्मेशन है ये, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो ये वाला अफर्मेशन आपसे किस तरीके से रेजोनेट होता है ये आप देख सकते हैं, और इसको आपने चैंट करना है सुबह जागने के बाद में और रात को सोने से पहले, कितनी भी बार कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल होता है 2 बार करना है, 3 बार, 4 बार, जितनी बार चाहो बोल सकते हो, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखना है। एक्चुअली बोलते क्यों हैं हम, चैंट क्यों करते हैं, लिखते क्यों हैं, क्योंकि वो चीज़ ना हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो आपको इसको अपने दिमाग में बिठाना है। जब आप इसको बिठा लोगे ना, तो इसकी वजह से काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे आपकी लाइफ में। ओके, यस। सो ये था आपका अफर्मेशन, ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अगर रेजोनेट किया है तो मुझे जरूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय लियो, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। और यहां पर आता है सन, वेरी नाइस। सो लियो, यहां पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए कि इस हफ्ते आप ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं कई सारी चीजों पर, जैसे कि सबसे पहले मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने लुक्स पर काम कर रहे हैं, आप दिखते कैसे हैं, पहनते क्या हैं, बोलते कैसे हैं। सो कहीं ना कहीं फोकस आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर रहने वाला है। यहां पर आप कोशिश करेंगे कि आप शाइन करें, या आपके अंदर की जो शाइन है ना वो आप बाहर लेकर आओ, क्योंकि उसी वक्त लोग आपको फॉलो करेंगे। ये समझ आपको इस हफ्ते हो रही है, या तो किसी ने आपको बोला है या यूं ही आपको लग रहा है कि यही एक चीज है जो काम करेगी आपके लिए। सो मे बी आप पार्लर जाएं, मे बी आप घर पर ही अपना स्किन केयर वगैरह, हेयर केयर वगैरह ये सब कुछ करें, डाइट प्लान बनवाएं, या योगा मेडिटेशन के लिए एक रूटीन आपने सेट करना है, एक स्केड्यूल अपने लिए बनाना है कि भाई इस तरीके से मुझे सारी चीजें करनी है, क्योंकि मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, क्योंकि जब मैं फिट रहूंगी या हेल्दी रहूंगी तभी वेल्दी बनूंगी, ऐसा हो सकता है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लोगों के सामने आना, उनसे बात करना, उनको कैसे अट्रैक्ट करना, इसके कई सारे हो सकता है नियम आप समझें, आर्टिकल्स पढ़ें, लोगों को कैसे समझना है, साइकोलॉजी क्या है, लोगों को क्या पसंद आता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये रहेगा इस हफ्ते कि आपको छा जाना है सभी पर, आप जिससे भी बात करो वो आपको भूले ही नहीं कभी, और वो आपको फॉलो करे, आपको चेज करे,
आप से इंस्पायर्ड हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए इस हफ्ते में दिखाई देती हैं। या तो आप कोशिश कर रहे हो या सच में ही आपका ऑरा चमक रहा है इस हफ्ते, तो पहले से प्रयास कर रहे हो उसका असर इस हफ्ते दिखाई देगा। काफी सारे लोग हैं जो आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपको प्रपोजल्स कई सारे मिल सकते हैं, लव प्रपोजल्स या बिजनेस प्रपोजल्स, या अगर आप इस हफ्ते इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपकी पर्सनालिटी को देखकर, एंड यस इंटेलिजेंट तो आप वैसे ही हो, तो वो हो जाता है ना कि ब्रेन विद ब्यूटी, तो उस चीज को देखकर आपको तुरंत जॉब इस हफ्ते मिल सकती है। बिजनेस अगर आप करने का सोच रहे हो, किसी के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हो, मान लो आपने सोचा कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे कैफे अपना खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, होटल खोलना है, तो मुझे इस व्यक्ति के साथ करना है क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और आप उनसे जाकर बात करते हो तो वो तुरंत आपको हाँ बोल देंगे। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा इस हफ्ते ऐसे रहने वाला है। दूसरा, आपको ये भी समझ आएगा कि सिर्फ सोचने से, मन्नतें मांगने से, मैनिफेस्ट करने से काम नहीं चलता है, समटाइम्स हमें एक्शन भी लेना पड़ता है, और वो भी प्लानिंग के साथ। और इसके चलते काफी सारे प्रयास आप कर रहे हो, मैं देख रही हूँ काफी उस मूड में हो चीजों को सुंदर बनाने में, खुद को भी सुंदर बनाना है, अपने घर को भी सुंदर बनाना है। एंड अगर आप ये कार्ड्स देखोगे तो यहाँ पर भी इस लड़की ने कैंडल लिया हुआ है और इस लड़की के पास भी कैंडल रखा हुआ है, सो कहीं ना कहीं वो उजाला आप अपने आसपास चाहते हो। और ये तो कैंडल्स हैं, आपके लिए सन का भी कार्ड आ गया है तो इससे ज्यादा उजाला तो कौन ही देगा। सो वही आप चाहते हो कि ब्राइटनेस हो, शाइन करे आपका ऑरा, एंड जो भी आप बोल रहे हो वो दूसरों के जीवन में भी उजाला भरे या उनका मार्गदर्शन करे। सो ये वाले थॉट्स रहेंगे आपके। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो काफी अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, एंड लोग आपको काफी अप्रिशिएट करेंगे। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि कुछ न्यू आइडियाज आ सकते हैं आपके माइंड में जिन पर आप काम करोगे, या फिर आपको समझ आ सकता है कि क्या चीज आपको बेहद पसंद है। ऐसे कई बार पूछते हैं ना कि भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ऐसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो चार लोगों ने आपको बताया था, या आपका फैमिली बिजनेस है, आपके पेरेंट्स ने आपको बता दिया कि भाई ये वाला बिजनेस करो, इसमें प्रॉफिट बहुत है, आप कर रहे थे उनके कहने से, लेकिन वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने बोला कि प्रॉफिटेबल है, राइट? तो इस हफ्ते आपको समझ आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्या पता आपको कुछ ऐसा चाहिए हो जो कि लोगों की नजरों में बहुत छोटी चीज हो, है ना, कि इससे तो क्या ही होता है, ये तो क्या ही इसमें प्रॉफिट होगा, बट आपके लिए वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, राइट? हो सकता है आप उसमें कुछ क्रिएट करें, उसको बड़ा बना दें, अभी उसको छोटा देखा जा रहा है लेकिन फिर आगे चलकर वो बड़ा बन जाएगा। ये थ्री इडियट्स में यही बोलते हैं ना आमिर, कि ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी चीज ऑलरेडी बहुत अच्छी है, आप उसको अगर फॉलो करोगे तो आप बड़े बन जाओगे। चीजें तब प्रभाव दिखाती हैं जब आप कुछ ऐसा चुनो जो आपके दिल के करीब हो, फिर बड़ा तो आप बना ही लोगे उसे, तो वो चीज है यहाँ पर। सो ये कहीं ना कहीं आप महसूस करोगे, या फिर कोई आपकी जो थॉट है वो सच में काम कर जाएगी। ओके, ऐसा हो सकता है। अगेन यहाँ पर जो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो बताता है कि इस चीज का आपको एहसास होगा कि जो काम आपने करना है वो आपने ही करना है, वो दूसरा नहीं करेगा, या दूसरा कर नहीं सकता, या दूसरे पर डालना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरों पर वो काम डाल दोगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, राइट? और फिर कहीं ना कहीं जाकर आप फंसोगे, और आप उनमें से हो भी नहीं जो कि काम नहीं करना चाहते, एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते, आपको खुद भी शौक है कुछ सीखने का, बड़ा करने का, तो पूरा हफ्ता आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। वो एक एनर्जी है आपके अंदर ऐसी, यूनिवर्स की मेहरबानी है कि ना तो आपको थकान हो रही है, ना ही आप उदास हो रहे हो, हर एक चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, छोटे से छोटा काम खुद कर रहे हो, बड़े से बड़ा काम भी खुद ही कर रहे हो। और मैंने देखा है बहुत से लोग हैं ऐसे जो करना चाहते हैं लेकिन कभी उनका हेल्थ साथ नहीं देता, कभी सपोर्ट नहीं मिलता, कभी कुछ तो कुछ रुकावट लगती है, बट आपके लिए इस हफ्ते कोई रुकावट नहीं है। सो क्रिएटिव हफ्ता है आपके लिए, और सन का कार्ड है, इसका मतलब है ढेर सारी खुशियां हैं। सो आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी इस हफ्ते। ओके, और सन का कार्ड अबंडेंस की भी बात करता है, तो जब आप इतनी
एक्टिव रहोगे, पॉजिटिव रहोगे एंड क्रिएटिविटी दिखाओगे तो अबंडेंस तो आनी ही है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये एक कार्ड आपके लिए ज्यादा आया है। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है अगर आपके माइंड में किसी भी टॉपिक को लेकर, या कई सारे लोगों को आप सुन रहे हो अभी तक, तो वो सुनना आप बंद करने वाले हो। आप सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखोगे जो कि आपके साथ रेसिप्रिकेट करेंगे, जो कि आप जो करना चाह रहे हो उसमें सपोर्ट वो अगर करेंगे तो उन्हीं लोगों के साथ आप रहने वाले हो, उन्हीं के साथ में दोस्ती रखने वाले हो, रिश्ता रखने वाले हो। बाकियों का ऐसा नहीं है रिश्ता तोड़ दोगे, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस आप नहीं दोगे इस हफ्ते से, क्योंकि आप कुछ नया करना चाहते हो, दिख रहा है वो, और शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो कुछ नया आप शुरू भी कर पाओगे और लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। वेरी नाइस। सो देख लेते हैं अफर्मेशन क्या है इस हफ्ते के लिए आपके लिए। ऑनेस्टी, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Okay? So, ये जो affirmation है ये आपको बोलना है सोने से पहले, जागने के बाद, अब चाहे तो किसी भी वक्त आप अपनी डायरी में लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे कि कोई और ऑनेस्ट होगा या फिर नहीं होगा इस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम अपने साथ में ऑनेस्टी रख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, यू नो, अपनी लाइफ में ईमानदारी और सच्चाई हो, बाकी तो फिर ठीक है, जो चल रहा है वो चलने दो, है ना। तो ये वाला कहीं ना कहीं थॉट आपको रखना है, इस पर काम करना है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। यानी कि आपको दूसरों के हिसाब से खुद को बदलना नहीं है, आप जो हो आप खुद को स्वीकारो और उसी के साथ में आगे बढ़ो और अबंडेंस को अट्रैक्ट करो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय सेजिटेरियस, तो चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। ओके, काफी अलग अलग तरीके की एनर्जी है आपके लिए सेजिटेरियस। ओके, सो यहां पर दिखाई देता है कि इस हफ्ते आप ट्रेवल करोगे और कुछ लोगों के लिए ये ट्रेवल बस ऐसे ही है कि ठीक है छुट्टी अपना सेलिब्रेट करके आते हैं, काइंड ऑफ वेकेशन। लेकिन कुछ लोगों के लिए ट्रेवल जो है ये दिखाता है कि आप कुछ तो पीछे छोड़ रहे हो, ऑलराइट, कुछ छोड़ना चाहते हो क्योंकि आप मूव ऑन कर सको। जो आपकी पुरानी जिंदगी है, पुराने लोग जिनसे जान पहचान आपकी रही है, आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो कोलीग्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं आप दूर जाना चाहते हो और इस वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो। ये जो आपकी जर्नी है ये ऐसी जर्नी भी हो सकती है कि आपको हमेशा के लिए आगे ले जाए। हो सकता है आपने सोचा हो कि आप कभी पीछे पलटना ही नहीं चाहते, आगे ही आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि महीने दो महीने का है कि ठीक है दो तीन महीने हम अलग रह के देखते हैं क्या होता है एंड देन विल कम बैक। तो ये आपको पता होगा कि आप किस तरीके से ये कर रहे हो, लेकिन ट्रैवल तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको न्यू चैप्टर शुरू करना है अपनी लाइफ का। सो ये विचार आपके मन में दौड़े जा रहा है, अभी है नहीं है आई डोंट नो,
लेकिन जैसे ही हफ्ते की शुरुआत होगी यानी कि कल से, तो ये विचार कहीं ना कहीं घूमता रहेगा आपके दिमाग में और आप उसको अंजाम दोगे, ऐसा नजर आता है। दूसरा ये भी मैं यहां पर देख पा रही हूं कि हो सकता है कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आ जाएं, ऐसे जो कि किसी और कंट्री में हैं या सिटी में हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो। ऐसा हो सकता है कि कई सारे रिलेटिव्स आपके घर में आए और मे बी आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर जस्ट ऐसे ही छुट्टियां सेलिब्रेट करने, उनका भी आगमन हो सकता है। और जब वो आएंगे ना तो लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा, सो न्यू चैप्टर खुलते हुए नजर आ रहा है आपके लिए इस हफ्ते में। ये भी देख पा रही हूं कि एक टीम बन रही है इस हफ्ते में। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो वहां पर आप अपनी टीम बना रहे हो, या कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई टीम बना रहे हो और फिर कोई काम करना चाहते हो, सो टीम वर्क यहां पर दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट, हर एक चीज को बहुत ही सोच समझ कर करना और फिर आगे बढ़ाना। कई सारे लोग हैं जिनका दिमाग बहुत लग रहा है इस चीज में, तो जैसे कोई प्रोजेक्ट है जो आप पूरा कर रहे हैं, तो ये चीज भी है। ये भी यहां पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि इस हफ्ते ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, और ऐसा हो सकता है कि इस दौरान आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहें। जैसे कि मान लीजिए आप अगर स्टूडेंट हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो फिर आप सोचोगे कि अब आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट। तो कई सारे लोग कई तरीके की बातें आपसे करेंगे, एडवाइस देंगे, बट यहां पर इस एनर्जी के साथ ये भी बोला गया है कि कई सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन आपको वही चूज करना है जो आप को पसंद है या जिसे आप आगे ले जा सकते हो। आप वो ऑप्शन पिक ना करें जिसको चार लोग कह रहे हैं कि अच्छा है बट आपको लग रहा है कि आप हैंडल नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले, आई थिंक कुछ महीने भर पहले मैंने काउंसलिंग करी थी एक बच्ची की, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है। काफी इंटेलिजेंट थी लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो जब मैंने उसको पूछा कि फिर क्या आपको क्या बनना है, तो बहुत कंफ्यूज थी। तो मैंने फिर उसको टाइम दिया, कुछ क्वेश्चंस दिए, मैंने कहा इन पर विचार करो, लिखो डायरी में एंड देन बताना कि क्या चाहते हो। तो वो बोली कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको मैं सेव करूँ, उनकी रक्षा करूँ, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, राइट? इस तरीके से वो बता रही थी। तो फिर मैंने उसको समझाया कि किस तरीके से आपको पेरेंट्स से बात करनी है एंड ऑल दैट, देन जाके वो थोड़ा उसका जो स्ट्रेस था वो कम हुआ। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब ऑप्शंस हमारे सामने रखे जाते हैं, तो खास करके पेरेंट्स जब रखते हैं तो वो अच्छे ही रखते हैं, बुरे ऑप्शन क्यों रखेंगे। तो बच्चा खुद परेशान हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं मन की सुन रही हूँ, सुन रहा हूँ वो गलत हो जाए, पेरेंट्स सही बोल रहे हैं या ऑप्शन तो वो भी अच्छा है देखो, राइट? तो वो भटक जाते हैं। तो भटकना नहीं है, आपके लिए भी वही चीज आ रही है कि आप वो करिए जो आपको अच्छा लगे, भले ही दूसरी चीज आपको बेहतर अभी लग रही हो या आपको लग रहा हो कि फ्यूचर को देखते हुए ये चीज कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होगी, बट आपको वो नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप पैशनेट किस चीज को लेकर हो, और इस बारे में अगर आप काउंसलिंग लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, क्योंकि ये कार्ड्स में आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि इस हफ्ते आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में है तो उनसे मीटिंग हो सकती है एंड कहीं घूमने फिरने आप लोग जा सकते हो। नहीं कोई मिला है, सिंगल हो तो भाई कोई मिलने वाला है, मैरिड हो तो मैरिड लाइफ काफी अच्छी रहेगी, वापस से आप एक दूसरे को डेट करोगे ये सब कुछ है इस हफ्ते में। क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, ऐसा यहां पर दिखाई देता है। सो ये हफ्ता क्रिएटिव रहेगा आपके लिए, और मतलब ये हफ्ते में ना हलचल है ढेर सारी, डिसीजन भी लेना है, चीजें भी समझना है, टीम वर्क भी करना है, कुछ नया भी शुरू करना है, कोई मिल भी रहा है, तो काफी कुछ है इस हफ्ते में। डेथ एंड रीबर्थ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उभर कर सामने आ रहे हो।
कुछ ऐसा जो कि आपके लिए काम नहीं कर रहा था इतने दिनों से, उसको खत्म करके आप आगे बढ़ रहे हो। डेथ के साथ में रिबर्थ का मैसेज है, यानी कि जैसे ही पुरानी चीजें खत्म करोगे कुछ नया आएगा। और इसके साथ में डन खुलकर आप अपनी लाइफ जियोगे, ऐसा है। ये भी यहां पर मैसेज मिल रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे बचाते हो ना, तो इस हफ्ते हो सकता है आप थोड़ा सा खुलकर उसे खर्च करो, ये सोचकर कि भाई जब मैं इतनी कमाई कर रही हूं या इतना पैसा कमा रहा हूं मैं और खुद पर खर्च भी नहीं कर रहा हूं, तो मतलब क्या रह जाता है। ऐसे कई बार ना हमें ऐसे ख्याल आते हैं कि हमें क्या पता कि कल क्या होगा, राइट, ऐसा वाला। तो उस टाइप के ख्याल आपके मन में आ सकते हैं कि क्या पता लाइफ का आगे क्या है, तो अभी हम क्यों नहीं जी लेते, राइट। कि पता चला हम इतना पैसा बचा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, कल का कोई आइडिया नहीं है, पैसा तो रखा रह जाएगा, है ना। तो वो वाले विचार आपके मन में आ सकते हैं कि हम खुल के जिएंगे, मस्ती करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को, और एकदम से ना वो रॉयल्टी आपके चेहरे पर, आपके पर्सनालिटी में दिखाई देगी जब आप खुल कर जीना शुरू करोगे। तो वो भी यहाँ पर है और मन भी आपका खुश है। कुछ ऐसा रहेगा आपका ये वाला हफ्ता। देख लेते हैं अफर्मेशन क्या है आपके लिए। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्शन हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। और यही मैं आपको अभी आखिर में बता रही थी। ये वाला जो अफर्मेशन है, ये आपको बोलना है। आप चाहे पूरा दिन, जब भी आपका दिल करे आप इसको निकाल कर पढ़ सकते हो, तो सुबह जागने के बाद सोने से पहले आपको इसे जरूर से पढ़ना है। और चाहे तो इसका एक वो प्रिंट आप निकाल के रख लो अपने तकिए के नीचे, तो उससे भी काफी हेल्प मिलेगी। कलर भी काफी सुंदर है, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो इससे काफी हद तक आपकी लाइफ में एक बैलेंस आप बना पाओगे और जो भी डाउट्स हैं आपके मन में वो दूर होंगे। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट की हो तो मुझे जरूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय लिब्रंस, तो चलिए देख लेते हैं कि जिनकी राशि है लिब्रा, उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द चैरियट नंबर 7। यू विल नेवर गेट एनी वेयर इफ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल। राइट, ऑल राइट। तुला राशि, तो यहां पर मैं देख रही हूं कि इस हफ्ते आप सबसे पहले तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं किसी काम में, और कोई ऐसा काम जहां पर जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से आपके कंधों पर होगी। एक ये हो जाता है व्यस्तता कि जिम्मेदारी किसी और पर है लेकिन आप उस व्यक्ति की हेल्प कर रहे हो, राइट। जैसे मान लो घर में कोई फंक्शन है तो मम्मा पर जिम्मेदारी होगी, पापा पर जिम्मेदारी होगी, लेकिन व्यस्त तो पूरा ही घर रहता है ना, सारे बच्चे लगे रहते हैं काम में, लेकिन जिम्मेदारी नहीं होती ना उन पर, कर रहे हैं वो काम बट फिर भी मन हल्का है। लेकिन अगर मम्मा पापा को देखोगे तो उनके माथे पर ना शिकन दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है ना तो उनको ही लोग बोलेंगे, है ना। तो वैसी सी जिम्मेदारी आप पर दिखाई दे रही है। आपकी एज क्या है पता नहीं, आप 17-18 साल के भी हो सकते हो, बट जिम्मेदारी तो दिख रही है। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आई थिंक आपने खुद ली है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा फंक्शन है और उसको अरेंज करना एंड सभी की सुनना, सभी को खुश करना, कुछ ऐसा सा है आपके ऊपर, आपके कंधों पर। ये इस तरीके की जिम्मेदारी है कि किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे गेस्ट आ जाते हैं ना, मेहमान आ जाते हैं ना घर में,
तो उस टाइप की कोई जिम्मेदारी। बट आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो। यहां मैं ये नहीं देख रही कि आप फेल हो रहे हो, कोई दिक्कत आएगी आपको या आपको कुछ सुनना पड़ेगा, नहीं वैसा नहीं है, लेकिन व्यस्त हो सो थकान दिख रही है। एक और चीज है यहां पर, मैसेज है आपके लिए इस हफ्ते के लिए कि जो भी आप काम करो धीरे 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 करना, क्योंकि जल्दबाजी में ना जिम्मेदारियां काफी सारी हैं, राइट? तो जल्दबाजी में कोई तो गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप धीरे 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 करोगे और थोड़ा काम चार लोगों में बांट दोगे, ऐसे मुझे ये लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी आदत ये है कि किसी ने बोला कि ये आप काम कर लो, हाँ ठीक है, फिर किसी और ने आकर बोला ये भी थोड़ा देख लेना, हाँ ठीक है, फिर किसी ने आकर बोला ये चीज और देख लो, हाँ ठीक है, तो आप हर चीज में ना हाँ ठीक है बोल देते हो, और फिर वो सारा काम आप पर आ जाता है जो कि चार और लोग कर सकते थे। तो आपको इस हफ्ते में ये ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा काम है जो चार और लोग नहीं कर सकते, उस काम की जिम्मेदारी पहले लेनी है, राइट? क्योंकि उसमें गड़बड़ ज्यादा हो सकती है। बाकी के जो काम है, जो लोग आप पर टाल रहे हैं कि आप कर लो क्योंकि हमें थोड़ा नर्वस फील हो रहा है या हमसे गलती हो जाएगी, तो उनको बोलो नहीं, ट्राई करो और इसको पूरा करो, गलती हो जाएगी तो वापस से ट्राई करो, राइट? तो ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा आप पर बोझ आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कितने लोगों से रेजोनेट होगा आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा मुझे। सो ऐसा है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे इस हफ्ते में, और उस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा ऐसी कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा ही, या फिर इतने टाइम में हो जाएगा, जैसे 2-3 महीनों में। अगर उसके बारे में किसी से आपने बात भी करी होगी तो लोगों ने कहा होगा कि इसको समय लगेगा। तो यहां पर आपके लिए अगेन मैसेज है कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हो, पूरी सावधानी से उसे देखो, शुरू करो और लगातार वो काम करते रहो। जब लगातार करते रहोगे आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जरूर है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, किसी सर्टिफिकेट डिग्री के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा या गिव अप करने के मूड में हो, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि गिव अप नहीं करना है, आपको लगातार लगे रहना है, आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। और इस हफ्ते आपको कुछ साइंस भी मिलेंगे जिन पर आपको ध्यान देना है। दूसरा जो मैसेज है यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते के लिए, वो ये है कि कुछ पुराना आप एंड कर रहे हो, नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, नई पहचान बना रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, ट्रैवल भी कर रहे हो सकता है वेकेशन पर जाओ। काफी हरा भरा सा हफ्ता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप अपना घर बदले। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो दूसरा घर आप ले सकते हैं, या फिर अपना घर ले लें आप, ऐसा भी हो सकता है। काम है इस हफ्ते लगातार, ठीक है, मेहनत है, आराम इस हफ्ते तो नहीं दिख रही है आपके लिए। बट आपके लिए ये भी मैसेज है कि इस हफ्ते में आप महसूस करोगे कि आप एग्जैक्टली वहीं पर आ गए हो जहां पर आपको होना चाहिए था। जैसे हम सभी लोग ना सोचते रहते हैं कि आखिर हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें भगवान ने क्यों यहाँ पर भेजा है, राइट? क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या गलत है? तो वो उन सारे सवालों के जो जवाब है ना, वो आपको इस हफ्ते मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है और आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको कौन सा जॉब या बिजनेस करना है, तो इस हफ्ते ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या जॉब करना है, क्या बिजनेस करना है, आपका नेचर क्या है, आप किस काम के लिए बने हो, ठीक है? उसकी क्लैरिटी इस हफ्ते आपको मिलने वाली है। सो वो एक तसल्ली होगी क्योंकि फाइनली मुझे पता चल गया कि मेरे साथ ये चीज है। या मान लो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं या कुछ भी है, तो उससे जुड़ा सोल्यूशन, प्रॉब्लम से जुड़ा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, या आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है। जैसे कई बार मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए और बोलते हैं कि हमारे दीज रिलेशनशिप में इतने इश्यूज क्यों हैं, क्या कनेक्शन है। कई बार ना उनका कार्मिक का कनेक्शन निकलता है, कई बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकलता है। तो मैं उनको बताती हूँ कि बेटा ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है, दैट्स वाई ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उनको ना तसल्ली हो जाती है कि ओके अब मुझे पता है कि बात क्या है। वैसे क्या लगता है, पता नहीं मेरी गलती थी कि उसकी गलती थी, झगड़े होते हैं, राइट? कभी हम बोलते नहीं हम सही हैं, तुम्हारी गलती, फिर अरे वो सही था, लगता है हमारी गलती हो गई थी। जब उनको पता चल जाता है कनेक्शन क्या है तो तसल्ली हो जाती है। फिर कुछ होता है तो दे आर ओके, दे आर लाइक हाँ हमें पता था यही होना है ना? तो वो क्लैरिटी इस हफ्ते आपको मिलेगी। प्लस यहां पर ये भी मैं देख रही हूं
कि आपको रियलाइज होगा कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं आपकी लाइफ में। अगर आप चाहते हो कि आप ग्रो करो, अगर आप चाहते हो कि अबंडेंस आपके जीवन में आए, अगर आप चाहते हो कि नयापन आपके जीवन में आए, तो आपको भी चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जहां पर आप बैठे हो वहीं बैठे बैठे सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि नयापन हो, तो नयापन पाने के लिए आपको भी निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग की नीड है, ओके, और आप घर बैठे हो उसी माहौल में, बंद कमरे में, और सब आपका वैसा ही चल रहा है जैसे चल रहा था, और आप सोच रहे हो कि आपकी हीलिंग हो जाए, तो नहीं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा उस कमरे से, उस घर से। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हेल्प कर पाएगी, तो उस चीज का आपको एहसास होगा। और मुझे लग भी रहा है अगेन कि कहीं ना कहीं तो आप जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई वेकेशन का प्लान बनता है तो इसको कैंसिल ना होने दें। अगेन आपके लिए चैरियट का कार्ड आ गया है, यहां पर भी था, यहां पर भी है। बैलेंस भी दिख रहा है आपकी लाइफ में, एक्शन लेते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो, मूवमेंट भी दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं हफ्ता जो है आपके फेवर में रहेगा। और एक मैसेज और है जस्टिस का, जो कि यहाँ पर कार्ड नहीं है, बट मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है, तो मैं जरूर से आपको दूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले या लोगों को जस्टिस मिले, तो उसके लिए भी आप कुछ कर पाओगे। आपको एहसास होगा कि आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो चीजें जो आपको दिख रही हैं बिगड़ी हुई, वो बिगड़ी हुई ही बनी रहेंगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बैलेंस की एनर्जी है, हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर 6 हो या 7 हो। लोग आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे, और साथ ही साथ आपको वेल्थ भी इस हफ्ते आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है, रिसीव कर पाओगे, मैंने इसलिए बोला क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इच्छा से है, बिकॉज यहाँ चैरियट के साथ में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आप वेल्थ को रिसीव करें, वेल्थ को अट्रैक्ट करें, तो वो सारी चीजें हैं। और अगर आप चाहते हो कि जो मन मुटाव है लोगों के साथ वो दूर हो जाएं, लोग रेसिप्रोकेट करें, आपको रिस्पेक्ट करें, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। तो उसका ये रिजल्ट आपको इस हफ्ते में दिखाई देगा। नाइन ऑफ कप्स के साथ में आपकी काफी सारी जो विशेज हैं वो पूरी होंगी इस हफ्ते। सो कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए हफ्ता बहुत सुंदर जाएगा। ट्विन फ्लेम या सोलमेट से भी आपकी मीटिंग हो सकती है, सेपरेशन भी आपका खत्म हो सकता है अगर है तो। और यहां पर मैं देख रही हूँ रिश्ता और ज्यादा गहरा आपका होगा इस हफ्ते। अफर्मेशन है आपके लिए, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, सरेंडर। तो इस हफ्ते आपको सरेंडर करना है, और ये जो अफर्मेशन है ये आपको हर वक्त बोलना है, सो दैट आपका जो माइंड है वो इसको समझ ले, और फिर इसी के तरीके से मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करे। हर एक चीज आपको कंट्रोल नहीं करनी है, कई बार ना जब आप चीजों को छोड़ देते हो तब वो चीजें आपको मिलती हैं। और जो मैं 7 नंबर की बात कर रही थी, 7 नंबर कहीं ना कहीं यही बताता है, डिटैच हो जाओ उस चीज से जो कि सबसे ज्यादा आपको प्यारी है। जैसे आप डिटैच होगे वैसे वो चीज आपको मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय। हाय जेमिनाई, तो चलिए देख लेते हैं यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो इस हफ्ते में देख रही हूं मिथुन राशि वालों के लिए कि अगर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ है आपको, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हो, चाहे वो आपके लव लाइफ से जुड़ी हो, चाहे वो आपके करियर से जुड़ी हो, तो उसके प्रति जो अभी तक आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड था, या आपको नेगेटिव थॉट्स आते थे, या आपके अंदर उदासी थी कि ये चीज अच्छी नहीं है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं है, मेरे साथ ये बुरा हुआ, अभी भी बुरा हो रहा है,
वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। जैसे कि फाइव ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर सबसे पहले है, जो कि दिखाता है कि से अगर आप इस कार्ड को देखोगे, तीन कप्स हैं इस लड़की के सामने जो कि इस तरीके से गिरे हुए हैं, और दो कप्स ये भरे हुए हैं और सीधे रखे हैं, राइट। लेकिन ये इनकी तरफ नहीं देख रही और इनको देखकर दुखी हो रही है, क्योंकि ये तीन है गिनती में, सिर्फ दो है, पर दो भी बहुत है। लेकिन अभी वो कंपेयर कर रही तो कह रही है तीन कप हैं और सारी गिर गए, राइट। सो आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा इस हफ्ते? अभी तक ऐसा था कि आप भी ये तीन कप्स देख रहे थे, दो नहीं देख रहे थे, लेकिन इस हफ्ते आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, आप ये दो कप्स देखोगे, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि अगर आप ये जो तीन कप्स हैं इनको देखते रहे तो ये दो भी नहीं रहेंगे आपके पास। अब वो कैसे आपको एहसास हो रहा है आई डोंट नो, किसी ने समझाया है या आपको खुद ही ऐसे लगा है, बट ये एहसास आपको हो रहा है। और आप ये भी सोच रहे हो कि ठीक है, अगर ये चला गया तो ये सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होना है। ये जो भी था आपके जीवन में, ये नहीं था आपके लायक, इसलिए यूनिवर्स ने ये चीज आपसे ले ली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता या आप कुछ अचीव या रिसीव नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो यहां पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस को आते हुए मैं देख रही हूं, एक ब्राइटनेस है, शाइन है आपके अंदर, करेज है अपनी सिचुएशन से फाइट करने के लिए, अपने चैलेंजेस से फाइट करने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि जरूरी नहीं है कि हर बारी मैं सेक्रीफाइस करूं या कॉम्प्रोमाइज करूं, मुझे हक है सब कुछ पाने का और मुझे मिलेगा भी। सो उस तरीके का कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर देख रही हूं इस हफ्ते में, जो कि बहुत अच्छा है। सो इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके लव लाइफ में भी सुधार आएगा, आपके करियर में भी आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करने लग गए हो, सब कुछ संभलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपके एटीट्यूड की वजह से। एंड मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं देखो परिस्थितियां तो नहीं रही हैं आपके फेवर में, वो दिख रहा है, बट इतना इतनी ज्यादा गिरावट ना ये हमारे एटीट्यूड की वजह से भी आ जाती है। मतलब एक तो वैसे ही टाइम हम पर भारी है, ऊपर से हम और ज्यादा रो रहे हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा हमें हमारी एनर्जी को लो कर देता है, हमें कमजोर बना देता है, ऐसे मान लो। सो बहुत जरूरी है कि हम अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने अंदर विल पावर भरें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि विल पावर अगर आपका ऐसा है ना चमत्कारी, तो आपका जो चार्ट है, यानी कि जो आपका बर्थ डेट है या जो भी है, उससे वो जो चार्ट आपका तैयार होता है जिससे डेस्टिनी आपको बताई जाती है कि ये है, वो तक आप चेंज कर सकते हो, विल पावर होना चाहिए। ओके, तो वो विल पावर को मैं आपको बढ़ाते हुए या जगाते हुए आपके अंदर देख रही हूं। प्रेजेंट आपका क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, उसको सेलिब्रेट करना, उसके साथ में एंजॉय करना, बोलते हैं ना कि जो भी करंटली जो भी चल रहा है उसको एंजॉय करो। पास्ट का मत सोचो क्योंकि वो तो बीत गया, फ्यूचर का मत सोचो क्योंकि वो अभी आया ही नहीं, तो अभी क्या चल रहा है उसको एंजॉय करो। तो वो वाला कहीं ना कहीं आपका नजरिया लाइफ को देखने का बनेगा इस हफ्ते। अगर कहीं से कुछ खालीपन आपको लग रहा है, तो खालीपन आप छोड़ने की और उससे आगे बढ़ने की कोशिश आप करने वाले हो इस हफ्ते में। एक्सप्लोर करोगे और इसकी वजह से मैं देख रही हूं कि इस हफ्ते काफी ज्यादा खूबसूरत आप लगोगे, लोग आपको बोलेंगे कि अरे ग्लो कैसा है चेहरे पर। और ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा ज्यादा अपनी केयर करो, इस वजह से भी आपका हेयर स्टाइल चेंज होते हुए मैं देख रही हूं, आपके कपड़े पहनने का ढंग एंड मेकअप करने का ढंग, लोगों से बात करने का ढंग, सब कुछ चेंज हो रहा है। हो सकता है आपके घर में कोई पेट भी आ जाए, अगर आपको पसंद है तो वो भी ला सकते हो। एंड ग्रीन कलर का ड्रेस आई थिंक आपको इस हफ्ते पहनना चाहिए, मुझे लग रहा है आप पहनोगे, वैसे ही आपको पसंद आएगा, लेकिन नहीं है तो आप पहनो ग्रीन या येलो, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे इस हफ्ते के लिए। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आप भी कहीं ना कहीं चिंता मुक्त हो रहे हैं, आपके भी माइंड में ये रहेगा कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अगर एग्जाम वगैरह भी है तो लगता है ना कि अब तो एग्जाम आ ही गया, अब चिंता करने का क्या फायदा, जो होगा सो देखा जाएगा, तो वो वाला एटीट्यूड रहेगा। और
कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी तक आपके लिए, अगर आप पढ़ते भी थे तो आपको टेंशन अलग से होती थी, लेकिन अभी ऐसा है कि हाँ ठीक है, मुझे अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो वो वाला एटीट्यूड कहीं ना कहीं आप अपना रहे हो इस हफ्ते में। अकेले दिखाई दे रहे हो, सिंगल हो तो सिंगल ही रहने वाले हो। और अगर कमिटेड हो, मैरिड हो, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही अपने साथ में ही समय बिताओगे, किसी का साथ आपको अभी तक तो नहीं चाहिए, नहीं दिख रहा है कार्ड्स में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स भी आया, फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी आया, फाइव ऑफ सोर्ड्स। कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा उन लोगों से दूर रहें जो कि कई तरीके की बातें कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूं कार्ड्स के जरिए, आपको खुद के साथ ही समय बिताने की जरूरत है। ओके, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलोगे इस हफ्ते, उतने सारे सवाल आप फेस करोगे, और उनका अगर जवाब आप नहीं दे पाए तो फिर आपकी एनर्जी लो होगी। तो जितना आप खुद को उठा रहे हो ना, उतना ही ज्यादा फिर आप जो लोगों की बातें हैं ना, या जो आपकी मिस्टेक्स अगर हुई हैं, तो वो आपको पीछे खींच लेंगी, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है वो आपको पीछे खींचेगी। ओके, कोशिश करिए इस हफ्ते ऐसे लोगों से कनेक्ट होने की जो आपसे अच्छी प्यारी बातें करें, आपको मोटिवेट करें, और नहीं तो आप अकेले रहो वो ज्यादा अच्छा है, अपनी केयर करो, घूमने फिरने जाओ। ऑलराइट, कोई अच्छी सी किताब पढ़ो, बढ़िया रहेगा। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग, तो ये वाला जो अफर्मेशन है आपको बोलना है। और ध्यान रहे आप अच्छे हैं या नहीं हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी और को ना ब्लेम करें और खुद को भी ब्लेम नहीं करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको खुद की केयर करना है, ना कि खुद को ब्लेम करना है। ठीक है, सो ये चीज आप ध्यान में रखें। और यहाँ पर भी देखिए येलो कलर आया है, मैंने आपको बोला था कि येलो या ग्रीन आप पहने, और येलो कलर यहाँ पर है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है कुंभ, यानी कि आप हो एक्वेरियंस, तो चलिए देख लेते हैं कि यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टावर। टेन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, ट्रुथ की एनर्जी है। सो कुंभ राशि के सभी लोग, आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि कुछ ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जिनसे आपका दिल दुखेगा, किसी भी तरीके का ट्रुथ, या तो आपके बारे में, या आपके फ्रेंड्स के बारे में, या आपके फैमिली के बारे में। वो सारी बातें जो कि आपको लगेगा कि अगर ये पहले पता होता तो आप इसको सुधार लेते और जीवन अभी कुछ और ही होता, राइट? ये ऐसा ट्रुथ नहीं है जिसको आप जानना नहीं चाहोगे। कई बार ऐसे भी कई सारे सच होते हैं जो लगता है कि ना पता चलता तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा सच है जो कि आपको लगेगा कि 3-4 साल पहले अगर पता होता तो कितना कुछ आप सुधार लेते। ऐसा तो ऐसा कुछ आपको पता लगने वाला है इस हफ्ते। लेकिन ये अभी जो पता लगेगा आपको सच, उसके बाद आपको ये एहसास होगा कि कहां पर आप गलती कर रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। ये बेशक ये थोड़ा
मतलब लग सकता है कि देर से पता चला, लेकिन पता लगना जरूरी था फॉर योर ग्रोथ। ऐसे मान लो कि आपको कोई सोशल वर्कर होना था, ठीक है, या आपको हीलर बनना था, या आपको एस्ट्रोलॉजर बनना था, तो ये चीज रिटेन थी, ये आपको अभी इस हफ्ते पता चलेगा, उससे पहले आपको पता नहीं था। तो आपका हो सकता है कोई भी प्रोफेशन रहा हो, आप कुछ भी कर रहे हो और उसमें खुश नहीं थे, ठीक है, घुटन होती थी या परेशानियां बहुत थी, लेकिन करे जा रहे थे ये सोच के कि भाई यही है डेस्टिनी, यही है डेस्टिनी, यही करना है, यही करना है। अचानक से इस हफ्ते में आपको पता चला कि आपकी डेस्टिनी में ये था ही नहीं, वो था जो चीज़ अभी आपको पता लगी है, ये चीज़ थी, तो आपको लगेगा यार पहले पता होता तो, क्योंकि इसमें तो मुझे इंटरेस्ट भी था, है ना। तो जैसे ही आपको ये चीज पता लगेगी कि ये भाई आपकी डेस्टिनी में है और इससे आप ग्रो करोगे, तो फिर उसी पर आपकी मेहनत शुरू हो जाएगी। आपका दिल दुखेगा, इसलिए नहीं दुखेगा कि ये आपका पर्पस है, ये आपकी डेस्टिनी में था, दिल दुखेगा कि पहले पता होता तो बेहतर कर ले, मतलब अभी तक तो बहुत कुछ आप कर लेते अचीव, बट फिर भी अभी भी पता लग गया है, हो गया। तो आप कहीं ना कहीं काफी एम्बिशियस हो जाओगे, क्योंकि अभी रास्ता क्लियर है, राइट, आपको पता है आपका डेस्टिनेशन क्या है। सो काफी एम्बिशियस हो जाओगे, ऑलरेडी हो, और भी ज्यादा हो जाओगे, और पूरी मेहनत से अपने आपका जो पर्पज है उसको फॉलो करने लग जाओगे, उसके लिए जितनी मेहनत करनी है करोगे। आप देख सकते हो लड़की कितनी किताबें हैं, बेड पर भी किताबें, यहां पर भी किताबें, यहां पर भी। सो कहीं ना कहीं जीरो से शुरू करने वाली चीज है, जीरो से आप शुरू करोगे, कुछ ऐसा होगा। अब ये तो मैंने करियर की बात कर ली, ठीक है, ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, ये हेल्थ को लेकर भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी हेल्थ बहुत सालों से अच्छी नहीं चल रही, कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं, राइट, गट हेल्थ इश्यूज होते हैं, या फिर स्किन प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, ये सब कुछ हो रहा है, और आप कई तरीके के ट्रीटमेंट ले रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, कोई फायदा नहीं हो रहा, और अभी आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी जो कि हो सकता है आपको पहले भी पता हो लेकिन आपको आइडिया नहीं था ये मेरे लिए है, राइट। तो जब वो चीज मिलेगी तो आपका जो स्किन प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, राइट, या अगर रिलेशनशिप के लिए है तो रिलेशनशिप आपका बेहतर हो जाएगा, या अगर आप बार बार रिजेक्शन या सेपरेशन से परेशान थे, सेपरेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता हो गया कि क्या चीज है जिसकी वजह से सेपरेशन हो रहा है। तो जो की होती है ना, की जो हम बोलते हैं सक्सेस की, वो की आपको इस हफ्ते में मिलेगी, लेकिन उसकी उसकी वजह से खुश बहुत होगे, बट एक वो तकलीफ होगी कि यार पहले पता चल जाता तो अच्छा रहता, ठीक है। तो काफी सारी चीजें, काफी सारे सच आपको इस हफ्ते मालूम पड़ेंगे, और एक तरीके से ना आप ये टॉवर का जो कार्ड है वो बताता है कि आधार आपका हिल जाएगा कि यार इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक पता ही नहीं थी, मैं क्या कर रही थी या मैं क्या कर रहा था जीवन में, मेरे को ये सब कुछ पता होता अगर तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता, ये ऐसे क्यों हो गया, क्यों मैंने पहले नहीं सोचा कि मैं इस तरीके से भी पता कर सकती थी या मैंने यूनिवर्स से ये क्यों नहीं मांगा कि इस चीज की क्लैरिटी मिल जाए। तो ये रहेगा आपके माइंड में इस हफ्ते। सो आपके जीवन का जो सुधार है वो होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हम बोलते हैं ना डिवाइन टाइमिंग या ये वाली दशा, तो वो समझ सकते हो, आपके आपके अच्छे दिन जो हैं वो शुरू होंगे इस हफ्ते से। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, और हाँ तकलीफ लगती भी है, ऐसा लगता है कि काश पहले पता हो जाता तो वो चीज़ आप सुधार लेते, लेकिन ठीक है, अगर अभी भी पता चल गया है तो भी बहुत बड़ी बात है, राइट, ये होने वाला है। वैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कई तरीके की क्लैरिटीज एंड आपको ट्रुथ देखने को मिलेगा अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर डिग्री, अबाउट योर सर्टिफिकेट, या जिस तरीके से आप पढ़ते हो वो तरीका, ओके। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, जैसे अगर आप एग्जाम देने गए और आपको लग रहा है कि चीटिंग करी गई है, तो उसका खुलासा होगा, तो कई तरीके के सच आपको मालूम देंगे। और उसके बाद 10 ऑफ कप्स आपके लिए है, विच मीन्स फिर खुशियां आपके जीवन में आएंगी। तो फाइनली क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो आप पढ़ने वाले हो, कुछ आई एम श्योर आप पढ़ने वाले हो, कुछ स्टडी कर रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो इस हफ्ते में। ऑलरेडी अगर मैरिड हो ना तो ये सबसे पहले तो आपके कनेक्शन से ही इसकी शुरुआत होगी, बाकी फिर और लोगों को भी आप देखोगे। ये है हर एक जो मिस्ट्री है आपके जीवन की वो सॉल्व होगी इस हफ्ते से, ऐसा मान लीजिए। सो अफर्मेशन आपके लिए क्या रहेगा, जो भी अधूरे काम है ना वो बनने शुरू होंगे इस हफ्ते से, आप देखना। विश्वास से आप अपना अपनी मेहनत करो और जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो करो, देखना बड़े काम होंगे। शादी वगैरह को लेकर भी दिक्कत है ना, अगर आपको कोई मिल नहीं रहा, डिले हो रही है चीजें, आप देखना वो सब कुछ होगा इस हफ्ते में, काम आपका बनेगा। सो अफर्मेशन है आपके लिए डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। सो ये आपका अफर्मेशन है जो आपको बार बार बोलना है, डायरी में लिखना है, और इस हद तक इसे लिखो और पढ़ो कि आपका जो दिमाग है वो इसको समझे और इसको एक्सेप्ट करे और फिर इसके साथ मैनिफेस्ट करे। ओके अवेयरनेस। और देखो यहां क्या है बॉटम ऑफ द डेक, ग्रोथ। यहां पर भी अवेयरनेस की एनर्जी है, मैसेज है। सो ग्रोथ होगी आपकी इस हफ्ते से, सो कंग्रेचुलेशंस। और ये लंबे समय तक रहने वाली है गाइस, जो भी आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं एंड होने का समय आ गया है। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है कैंसर तो चलिए देख लेते हैं हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, के मजीशियन। एस ऑफ वांड्स। सो अभी की एनर्जी और इस हफ्ते की शुरुआत की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसी ब्राइट सी एनर्जी नहीं दिख रही है, लग रहा है कि उदास हो, परेशान हो, किसी बात को लेकर कमी बहुत महसूस हो रही है, लोगों की कमी, लोगों से सपोर्ट की कमी। एंड जो चला गया है उसकी कमी, या बहुत कुछ आप याद कर रहे हो, कुछ घटनाएं भी हुई हैं आपके जीवन में जिनको लेकर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई। ओके, तो ये मैसेज मैं चैनल कर रही हूं, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, मैं बताना भी नहीं चाहती थी लेकिन ये बार बार आ रहा है क्योंकि आप देख रहे होगे मैं रीड कर रही हूं तो रुक रुक के कर रही हूं, सो मैं शेयर करना चाहूंगी। तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने फादर को खोया है कुछ 2 साल पहले, और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने फादर को खो दिया क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाई, ऐसा कुछ है। आई एम सॉरी मैं ये मैसेज यहां पर आपको दे रही हूं लेकिन मैं नहीं देना चाहती थी। आप अगर देख रहे होंगे ध्यान से रीडिंग तो मैं चुप हो रही थी बार बार, बट मुझे बोला गया है शेयर करने के लिए। तो गाइज यहाँ पर आपकी वैसे कोई गलती थी नहीं, वो अपने टाइम पर ही गए हैं जिस टाइम पर उनको जाना था, भले ही वो बीमार होकर गए हों लेकिन वो उतना उनका था लाइफ का साइकिल। ओके, तो इसके लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ, मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए, मुझे लग रही है आपकी करंट एनर्जी है और इसीलिए ऐसा सबसे पहले कार्ड आया क्योंकि अभी है, कल तक भी हो सकता है ये रहे लेकिन देन धीरे धीरे करके एनर्जी चेंज हो जाएगी।
आपके एंजल्स की तरफ के तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, देखिए मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ये मैसेज है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, वो होना था इसलिए वैसा हुआ है। इस तकलीफ से आप बाहर निकलेंगे। जो अकेलापन है, उदासी है, ये जो कमी है, आपको महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि है आपके पास बहुत कुछ। बहुत कुछ गॉड ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, तो आप उसकी तरफ देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गलतियां आपसे हुई हैं उन गलतियों पर ध्यान देते हुए, या जो कमियां हैं आपके जीवन में उन पर ध्यान देते हुए, जो ऑलरेडी चीजें आपको मिली हैं आप वो भी खो दो। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप उसी एनर्जी में हो अभी। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि इस हफ्ते हो सकता है कि आप एक्सप्लोर करें, आप स्थान परिवर्तन करें, कहीं घूमने के लिए जाएं, दूसरे लोगों से मिलें। थोड़ा अकेला रहना आपको अच्छा लगेगा इस हफ्ते, ऐसा लग रहा है। आप भीड़ में नहीं रहना चाहोगे, मे बी फैमिली के साथ भी नहीं रहना चाहोगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा ऐसा समय चाहिए जब जहाँ पर आप अपने साथ रह सकें, ज़्यादा कुछ डिस्कस ना करें, किसी से बात ना करें, तो वो समय आप लो, क्योंकि ज़रूरी भी है। अगर आप ऐसे अकेले नहीं रहोगे, खुद को समय नहीं दोगे, तो ये एनर्जी लंबी चलेगी। अगर आपने खुद को समय दिया, शांति से सोचा समझा, और जो मैसेज मैंने आपको सबसे पहले आज दिया है उस पर थोड़ा विचार विमर्श किया, तो आप सीधा मजीशियन की एनर्जी में आ जाओगे। आपको समझ आएगा कि आप बहुत पावरफुल हो और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जो कि आप हो, लेकिन आप कुछ चीजें, किसी तरीके का गिल्ट है। एक्चुअली क्या है ना, कर्क राशि के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसा है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और जिद्दी भी होते हैं। तो कोई भी चीज अगर मन में बैठ गई, कोई भी तकलीफ अगर मन में बैठ गई, तो निकाल नहीं पाते वो, और कोई और भी सहायता करे तो सुनते नहीं है। दे आर लाइक, मुझे पता है तुम मत बताओ, ऐसा वाला। और इस वजह से जब वो कभी स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में जाएं, तो अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं। तो वही चीज दिख रही है। तो थोड़ा अगर आप जिद कम करोगे, थोड़ा अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे, तो ये एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये रिपीट होता है। बिकॉज अगर ये रिपीट ना हो तो मुझे ऐसे मैसेजेस नहीं मिलते, मैं चैनल नहीं करती, और वीकली प्रेडिक्शंस में तो मैं बहुत कम ही मैसेजेस ऐसे चैनल करती हूँ, या आई मीन डाउनलोड्स होते हैं, बट आपके लिए हो रहे हैं। ये तकलीफ आई थिंक बहुत दिनों की है, इस तकलीफ से आप बाहर निकलो। कोई भी प्रॉब्लम रही हो, ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, या बिजनेस को लेकर भी हो सकता है, कि मैंने कुछ कर नहीं पाया, या मेरे साथ ऐसा हो गया, भगवान ने गलत किया। नहीं, ये होना था, ये जरूरी था इसलिए हुआ है। किसी ने ना गलत किया है, ना आपने कोई गलती करी है। ओके, से बाहर निकलो। एंड का जो हफ्ता है वो काफी अच्छा है, मैं देख रही हूँ। फाइनेंशियली भी आप काफी बेहतर कर रहे हो, काफी सारे आइडियाज आ रहे हैं, क्रिएटिविटी दिख रही है, सब कुछ है। लेकिन शुरुआत के जो दिन हैं वो थोड़े ऐसा लग रहा है आप खाली ही अपने साथ ही बिताने वाले हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, सिंगल हो, जो भी है, सभी के लिए एनर्जी है। आपकी लो एनर्जी थोड़ा ज्यादा आप पर हावी होगी, लेकिन जो आखिर का दिन है उसमें आप बेहतर हो जाओगे। हेरोफेंट है, थ्री ऑफ कप्स है, सन का कार्ड है, वेरी नाइस। सो क्लैरिटी आपको मिलेगी, एंड आप अपने फ्रेंड से भी मिलोगे, कुछ ज्ञान भी आपको मिलेगा हेरोफेंट के साथ। हो सकता है कोई गुरु जैसा व्यक्ति आपको मिले, या गुरु से ही आपकी बात हो, कोई अगर गुरु है आप, हो सकता है आप बना लें, तो उनसे बात करके आपका मन हल्का होगा, एंड देन क्लैरिटी मिलने के साथ साथ खुशियां भी आपको मिलेंगी। किंग ऑफ कप्स के साथ आप संतुष्ट रहोगे हफ्ते के एंड में। पूरी एनर्जी आप पर ही घूम रही है, मतलब बहुत सारे लोग नहीं आ रहे कि रिलेशनशिप या फैमिली या कुछ। अफर्मेशन देख लेते हैं क्या है। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बींग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो ये अफर्मेशन आपको बोलना है, बार बार बोलना है, और आप इसको ग्रीन कलर के इंक से ब्लैंक पेपर पर लिख सकते हो 30 to 40 times इन अ डे। एंड चाहे तो इसका एक प्रिंट निकलवा के आप अपने पास रख सकते हैं, सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले इसको पढ़ सकते हैं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ओके,
ऑल राइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो तो चलिए देख लेते हैं हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्स, गुड लक चार्म, थ्री ऑफ वॉन्स। सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए इस हफ्ते का, टू ऑफ सोर्ड्स, वो ये है कि ऑरा आपका काफी चमकता हुआ सा दिखाई दे रहा है। यहां पर आप अपने लुक्स पर काम कर रहे हो इस हफ्ते में, आपका जो पर्सनालिटी है उस पर काम कर रहे हो, कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात रखनी है, किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करना है लोगों के सामने, एंड कपड़े कैसे पहनने हैं, स्किन केयर करना है, हेयर केयर करना है, डाइट कैसा रखना है, जिम करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, इन सारी चीजों पर आपका बहुत फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि इस हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप दिखने में अच्छे हो, अगर अपनी पर्सनैलिटी को आप बेहतर बनाते हो तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको किसी को चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको चेस करेंगे। जिन लोगों से आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो या जिनके साथ में आप रिश्ता बनाना चाहते हो, अभी आप उनको चेस कर रहे हो और आप उनको कन्विंस कर रहे हो, अगर आप बेहतर दिखते हो और आप फिट रहते हो, डिसिप्लिन रहते हो, तो वो आपको चेस करना चाहेंगे, वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे और मेहनत करेंगे इसके लिए, क्योंकि उनके माइंड में ये रहेगा कि भाई मुझे इस तरीके की जिंदगी चाहिए, इस तरीके का बंदा या बंदी मुझे बनना है। अगर मैं ऐसी बन गई या ऐसा बन गया तो लोग तो मुझे एक सेलिब्रिटी के जैसे देखेंगे ऐसा, ठीक है। तो अब ये ख्याल खुद आपको आएगा या कोई आपके दिमाग में ये चीजें डालेगा पता नहीं, वैसे अगर आप मुझसे पूछो ये बात है। और खुद को बेहतर बनाना कोई बुरी बात तो है नहीं। देखो, जो मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ इसीलिए करती हूँ कि जब आप खुद की केयर करते हो और खुद को संवारते हो, संभालते हो, तो क्यों कोई और आपको पसंद नहीं करेगा। जब आप इस तरीके के इंसान बन रहे हो कि यू नो, जो सबको चाहिए, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा ऐसा इंसान होना चाहिए, हमारा फेवरेट है, हो जाता है राइट, ऐसे आप खुद सोचो, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कैसा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, आप क्या बोलोगे? गुस्से वाला, गालियां देने वाला, जो महीने में एक बार नहाए, या जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई ना करता हो या कोई काम ना करता हो, आप क्या बोलोगे? जिसकी अच्छी अर्निंग हो, देखने में यू नो इम्प्रेसिव लगे। जरूरी नहीं है कि नैन नक्श कैसे हैं, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, लेकिन पर्सनैलिटी होती है राइट। कुछ लोग लगते हैं स्मार्ट, अच्छे कपड़े पहनता हो, जिसको समझ हो मेकअप का, जिसको समझ हो बातचीत करने का, किससे कैसे बात करनी है, कि उसको रिस्पेक्ट भी देनी है, और अगर उसे ना कहना है तो किस तरीके से कहना है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ना कहने में बड़ा भारीपन लगता है, क्योंकि जब हम ना बोलते हैं ना, हमें फिक्र हो जाती है सामने वाले को बुरा लगेगा। तो ये क्वालिटी जिसमें है कि ना भी कह दे और सामने वाले को तकलीफ भी ना हो, ऐसा इंसान हमें चाहिए राइट, क्योंकि हम उससे ये चीज सीखेंगे। सीधी सी बात है, अब जब हमने खुद ही ये चीजें अपनी बनाकर रखी हैं कि ये क्वालिटी रखने वाला इंसान ही परफेक्ट है, तो कौन पसंद नहीं करेगा, सबको वही चाहिए राइट। तो वही यहां पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि मेहनत करोगे आप अपने पर्सनालिटी पर, लुक्स पर, अपने विचारों पर भी। अगर ऐसा है कि सब कुछ आपके पास है लेकिन आप खुद को समझते कुछ भी नहीं हो, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, बेहद खूबसूरत लोग हैं, हैंडसम लोग हैं, भी उनसे पूछो तो कहते हैं हम कुछ भी नहीं है, तो सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं उनके अंदर। ऐसे आसपास के टॉक्सिक लोग हैं, उन्होंने उनको ऐसे बोल दिया कि आप में कुछ नहीं है, आप में कुछ नहीं, तो उनकी अपनी आंखें भी सच्चाई देखने नहीं देती, क्योंकि आसपास के लोग उनको यही बोल रहे हैं कि आप बेकार हो, बकवास हो। तो आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, हैंडसम हो, लेकिन
आप यकीन नहीं करोगे, आप खुद को मिरर में देखोगे और आप बोलोगे कि आप बुरे दिखते हो। आप खुद के इंटेलिजेंस को देखोगे लेकिन आप बोलोगे आप इंटेलिजेंट नहीं हो, क्योंकि और लोगों की बातें बहुत ज्यादा आप पर हावी हो जाती हैं, राइट। सो ये क्लैरिटी भी है आपके अंदर इस हफ्ते। अगर आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया हुआ है, उनसे आप दूर हटोगे और अपनी आंखों पर विश्वास करोगे। सो ये सबसे पहली चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नंबर दो जो चीज यहाँ पर है वो ये कि अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है तो इसके लिए कुछ छोटे मोटे उपाय भी आप करोगे, जैसे कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, वाइट स्पेल वर्क, या कोई क्रिस्टल का सहारा लेना, ओके, या किसी तरीके का कोई प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप खुद को समझ सको, दूसरों को समझ सको। तो ये सारी चीजें भी इस हफ्ते आप करने वाले हो ऐसा दिखाई देता है। मैनिफेस्टर आप लोग हो ही बहुत अच्छे, तो जितना कि मैं समझ पा रही हूँ कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पर ही आपका जोर लगेगा, और दूसरा क्रिस्टल्स का मुझे लग रहा है, अ काइंड ऑफ लकी चार्म जो आप अपने पास रखोगे, जिससे कि आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके फेवर में काम करें। तो जेम स्टोन हो गया, क्रिस्टल हो गया, इस पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाएगा, ट्राई करने की कोशिश करोगे, या लकी चार्म का कोई वीडियो जैसे हमारे चैनल पर ही है, हो सकता है वो देख लो, तो वो लकी चार्म आप रखना शुरू कर दो, यहाँ पर दिखाई देता है। सो दैट आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में भी सुधार हो, करियर में भी सुधार हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट बेहतर तरीके से कर पाएं, हेल्थ आपकी अच्छी रहे, डाइजेशन से जुड़े इश्यूज हैं तो वो ठीक हो, ये सब कुछ करेंगे। प्लस यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि खुद को आप एक्सप्रेस भी करेंगे इस हफ्ते से। अगर आप बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं ईगो के चलते, या इंट्रोवर्ट हैं आप, तो इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं उस चीज से भी बाहर निकलोगे कि भाई हाँ, मुझे अपने आप को सामने रखना है, बात करनी है, सिर्फ तभी मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा, मैं ग्रो कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो ये भी इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई देता है। ये पर्सनल लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप एंड लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है। कई बार हम एक्सप्रेस नहीं करते चीजें, हमें ऐसा लगता है सामने वाला खुद ही समझ ले तो है भी सही है, अगर सोल टू सोल कनेक्शन है तो इच्छा ये रहती है, लेकिन बोल दो तो बेहतर है ना। सो वो चीज आपको समझ आएगी, आप बात करेंगे। एंड अगर आप कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में किसी डिसीजन को लेकर, तो कंफ्यूजन भी आप दूर करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स, कुछ गेम्स वगैरह आप ढूंढोगे, या किसी तरीके की काउंसलिंग है, प्रैक्टिस है, जहां पर कई सारे क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देना, तो इस तरह की चीजें आप इस हफ्ते करने वाले हो किसी गुरु की भी हेल्प ले सकते हो इस हफ्ते में, सो दैट आपका जो काम है वो बन जाए। टेम्परेंस की एनर्जी के साथ में बैलेंस बिठाने की कोशिश करोगे इन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, वो जस्टिस के कार्ड से भी पता चलता है। तो इस हफ्ते में बैलेंस कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ रहा है। एक डिसिप्लिन लाइफ, बेहतर जीवन जो हम बोलते हैं, जो लोग जिनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं, राइट, जैसे यूट्यूब पर हम देख लें कि हाँ अरे उनका डाइट प्लान ऐसा है, वो ये चीजें नहीं खाते, वो चीजें नहीं खाते, तो हम बहुत, हमें प्रेरणा मिल जाती है, अरे हम भी ऐसा ही अब ब्रेकफास्ट करेंगे, इतने बजे तक हमारा डिनर हो जाएगा, अरे योगा एवरी डे ये करते हैं, अच्छा हम भी करेंगे, राइट। तो वो वाली चीज है आपके लिए इस हफ्ते में, वो सारे काम आप करोगे जिनसे कि लोगों को प्रेरणा मिलती है, और हो सकता है कि ये शेयर भी आप करो विद अदर्स। अफर्मेशन क्या है फॉर यू, यहां पर है जजमेंट। अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये अफर्मेशन आपको बोलना है इस हफ्ते। सबके अपने यूनिक तरीके हैं, यूनिक अपना पाथ है, चैलेंजेस हैं। तो अगर आप खुद को कंपेयर करते हो दूसरों से और इस चीज की तकलीफ होती है, तो ये समझोगे कि भाई सबका अपना अपना तरीका है जीवन जीने का, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने दुख हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ही सारे दुख मिले हैं या आप ही हर तकलीफ को फेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ओके। और कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं, क्योंकि कंपेयर करने से हमारी तकलीफें दूर नहीं होती, ये बढ़ जाती हैं। और आपको हो सकता है लगता हो कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो चीज जिसकी कमी आपके पास है वो चीज उनके पास है, आई मीन जो कमी आप महसूस कर रहे हो वो उनके पास है, तो आपको लग रहा है वो बहुत खुश है, लेकिन उनको जो कमी महसूस हो रही है वो इससे जुड़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके घर में एक बड़ा सा टीवी नहीं है, उनके घर में है, आप कह रहे हो अरे उनके घर में टीवी है,
कितने सुखी लोग हैं, लेकिन क्या पता उनको टीवी चाहिए नहीं था। उनके मन में ये हो कि टीवी आप ले जाओ, उनको कुछ और चाहिए, वो हमें दे दो, तो उनके लिए तो दुख हो ही गया ना। आपकी इच्छा की चीज उनके घर पे हो, उनको जो चाहिए वो शायद आपके पास हो, ऐसा हो जाता है। सो कंपेयर नहीं करना चाहिए, सबके अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने डिप्रेशन हैं, स्ट्रेस है, हमें फाइट करना है और हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। वो चीज आप सीखोगे और आपको बोला भी गया है कि सीखो, किसी को जज मत करो। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है मीन, तो चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। The Hierophant. Okay. Knight of Cups. Queen of Pentacles. The Magician. Okay, guys. So, आपके लिए क्लियर कट मैसेजेस हैं इस हफ्ते के लिए। ट्रेडिशंस को आप फॉलो करिए, मानिए, इंपॉर्टेंस दीजिए, लेकिन इतना नहीं कि आपको हर वक्त सेक्रीफाइस करना पड़े या किसी और को सेक्रीफाइस करना पड़े आपके नियमों की वजह से। ये आपके लिए मैसेज है और ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी है। ओके, ऐसा यहां पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि शायद आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस पर जोर देते हो, वो ऑर्थोडॉक्स टाइप विचार शायद। जब आप उन चीजों पर इतना ज्यादा जोर देते हो ना, तो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती है ना, आप उनको कहीं ना कहीं बड़े आराम से चले जाने देते हो और फिर बाद में आपको बुरा लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया। ये इस वजह से है कि जो पुराने नियम हैं आप उन पर बहुत ज्यादा ही जोर डाल रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। जो भी पुराने नियम बने थे, मतलब पहले जो नियम बनाए गए थे, वो उस जो उस समय परिस्थितियां आती हैं उसके आधार पर वो नियम बने थे, अभी के आधार पर नहीं है। अभी टाइम बहुत चेंज हो गया, राइट? तो नियम भी बदलने चाहिए। वो वही वाली चीज, वही वाली सोच रखोगे ना, तो हर जगह आपको परेशानी होगी, आपके वर्क फील्ड पर भी, वर्क प्लेस पर भी, आपके रिलेशनशिप में भी, और आपकी हेल्थ पर भी। ओके, ये चीज आपने थोड़ी समझनी है अच्छे से और इस पर काम करना है। एक्चुअली बहुत ज्यादा आप इन नियमों पर फोकस करते हो, जिसकी वजह से शायद अपने प्रेजेंट को आप जी नहीं पाते, कुछ ऐसा है। यहां पर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि अपने प्रेजेंट को आप जियो, सेलिब्रेट करो, जिस मोमेंट में हो उसको सेलिब्रेट करो, वो नहीं कर पाते। आप बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचते हो और इससे दिक्कत होती है, क्योंकि आपको ना सब कुछ परफेक्ट चाहिए। वो संभव नहीं होता हमेशा। और अगर ये आपके बारे में नहीं है, अगर ये ऐसा है कि आपके नियमों की वजह से आप किसी और को तकलीफ दे रहे हो या किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट्स में पड़ रहे हो, तब भी ये गलत है। आप खुद सेक्रीफाइस कर रहे हैं या किसी और को फोर्स कर रहे हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, कहकर कि नियम ऐसे हुआ करते थे और वो सही हैं और उन्हें ही हमें फॉलो करना है, तो गलत है। ठीक है, यहां पर खुद आपके लिए बोला गया है कि पुराने नियमों को इतना ज्यादा फॉलो मत करो, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, क्योंकि नियम पुराने हैं और समय अभी नया है, तो कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, राइट? तो खुद तो करो ही मत, दूसरों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके लिए मैसेज ये है कि आप एक मैजिशियन के जैसे हो, आप इतने पावरफुल हो कि आप जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपकी सोच की वजह से या किसी और की सोच की वजह से आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो। अगर ये आपके फैमिली को लेकर है, आप किसी ऐसी फैमिली में हो जहां पर बहुत ज्यादा नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है और आप उससे निकल नहीं पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है वो चीज सही है, तो बदलो खुद को, क्योंकि ये चीज काम नहीं करेगी, एक ही चीज मिलेगी।
देखो मैं ये नहीं कह रही कि ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए या रूल्स को फॉलो करते हुए आपको सक्सेस नहीं मिलता, बट आई डोंट नो कि आपकी सिचुएशन क्या है। हो सकता है जो आप चाहते हो, जिस जगह पर आप आना चाहते हो, वहां पर ये पुराने नियम काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि आपको सफलता भी मिले आप और आप ये नियम भी पूरे कर लो, तो वो नहीं हो पाएगा आपके लिए। ये मैसेजेस हैं, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना जरूरी है। ओके, चाहे आपके लव लाइफ को लेकर हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। जैसे कि मान लो अगर आप एक फीमेल हो और आपके घर के हिसाब से मान लो अगर आपको किसी से प्यार होता है और आपके घर के हिसाब से लव मैरिज नॉट अलाउड, या फिर मान लो आपकी अरेंज मैरिज हो रही है और आप लड़के से बात करना चाहते हो और आपकी फैमिली ने कहा कि लड़के से बात नहीं करी जाएगी, आप मिल नहीं सकते क्योंकि नियम ऐसे हैं, आप नहीं मिल रहे हो, ठीक है? तो अब क्या हो गया ना कि फिर एक चीज होगी, या तो फिर आप ये मैनिफेस्ट मत करो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा शादी के बाद, ये बंदा वैसा ही होगा जैसे कि मैं चाहती हूँ, हो सकता है वो चेंज हो, तो फिर उसको एक्सेप्ट करो। ओके, या लव मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और फैमिली में वो अलाउड नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो लव मैरिज हो जाए, तो नहीं हो पाएगी, तो अरेंज मैरिज ही करो। अरेंज मैरिज में भी अगर ये आपको बोला जाता है कि भाई आप लड़के से बात नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेप्ट करो। ये मत बोलो कि लड़का जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसे कि आपने अपनी डायरी में लिख रखा था, हो सकता है वो अलग हो। तो आपको ना सब कुछ चाहिए, आपको आपके घर वालों के हिसाब से बात भी नहीं करनी लड़के से, ये घर वाले बोल रहे हैं कि मत करो, या आपकी अपनी सोच है कि बात तो नहीं करनी चाहिए, ये तो सही नहीं है, बात नहीं करूंगी। देन आप ये भी सोच रहे हो कि विचार भी मिलते हो, शादी भी ऐसे व्यक्ति से हो जिससे कभी झगड़ा ना हो, नहीं हो पाएगा, ठीक है? हर एक चीज यानी कि ओके, ये दोनों चीजें अपोजिट हैं, लव मैरिज और वो लोग जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, दोनों चीजें विरोध में आ जाती हैं। जो मेरे पास आते हैं बच्चे काउंसलिंग के लिए, उनका ज्यादातर यही केस होता है कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन मेरे फैमिली में ऐसा है कि लव मैरिज नहीं होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ, लड़कियां नहीं अपने लिए लड़के सिलेक्ट करती हैं, तो अब हम क्या करें? तो ये बहुत अलग अलग दो विचार हैं। तो जब लड़कियां अपनी सुनती हैं तो फिर फैमिली के नियम उन्हें भूलने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरे परिवार को मनाए और ये बोले कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं और आप हमारे विचार समझो, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके घर वालों की सोच बहुत पुरानी है, आप उनको चेंज करने बैठोगे तो दिक्कत होगी। और अगर आपके विचार ऐसे हैं तब तो फिर तो क्या ही कहना, मतलब आप सोच रहे हो कि आपको लव मैरिज भी करनी है बट बात भी नहीं करनी, मिलने भी नहीं जाना, तो बहुत मुश्किल है। तो कुछ तो आपको बदलना पड़ेगा, या तो आप ये वाली सोच रखो, तो अपने जो ड्रीम्स हैं आपके उनको साइड में रख दो, और अगर आपकी ड्रीम्स आपको फॉलो करने हैं तो फिर ये चीजें साइड में रख दो, कुछ तो आपको चुनना पड़ेगा। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोगों के साथ में शायद ये रीडिंग रेजोनेट करे, लेकिन जिनसे करेगी 100% करेगी। ये देखो वही मैसेजेस जो मैंने आपको बोले, आप बैलेंस अगर बिठाने चलोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जो नियम है वो आपके सपनों से बिल्कुल अपोजिट है। सो अगर आप नियम के हिसाब से चलोगे और अपने ड्रीम्स को भी फॉलो करना चाहोगे तो आप हैंगमैन की एनर्जी में आ जाओगे, आप अटक जाओगे, काम देरी से होगा। तो एक पक्ष आपको चुनना होगा, या तो ये वाला या ये वाला, अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे और काम अटका रह जाएगा। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अफर्मेशन आपके लिए क्या है? फेलियर का है। अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो अभी तक अगर कोई गलती हुई है तो समझ लो कि एक अवसर था कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का। सो ये वाला जो अफर्मेशन है आपको बोलना है, आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हो और इसको अपने माइंड में डालना है, सो दैट आप आगे कुछ भी मैनिफेस्ट करो या कुछ नया चेंज अपने जीवन में लेकर आओ, अफर्मेशन माइंड में रहे और आप बेहतर काम कर सको। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉन तो चलिए देख लेते हैं
ये हफ्ता आपका कैसा रहता है। शॉप किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वांड्स, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए इस हफ्ते की। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, लुक एट यू। ओके, सो यहां पर दिखाई देता है कि फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं स्टेबल होना शुरू हो जाओगे इस हफ्ते से। अगर आप कोई शॉप खोलना चाहते थे, अगर आप किसी शॉप में काम करना चाहते थे, या अपना कोई घरेलू बिजनेस आप शुरू करना चाहते थे, या कोई वेबसाइट ऐप बनाना चाहते थे, यूट्यूब चैनल खोलना चाहते थे, व्लॉग्स बनाना चाहते थे, कुछ भी ऐसा करना चाहते थे जिससे कि आपकी एक पहचान बने और प्लस पैसा भी आए, ठीक है, वो काम इस हफ्ते से आपका शुरू हो रहा है। लेकिन प्रायोरिटी ना कहीं आपके शौक पर ही होगी, आपकी इच्छा पर ही होगी। यानी कि पैसे को आप इम्पोर्टेंस दोगे, लेकिन इस बात को ज्यादा दोगे कि आप जो कर रहे हो उसमें आपका मन कितना खुश है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो कंपनी आप चेंज कर दें। जिस कंपनी में आप थे, बेशक उसमें पैसा ज्यादा था, लेकिन माहौल आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, और दूसरी जो कंपनी जहां से ऑफर आया था वहां का माहौल बहुत अच्छा था लेकिन पैसा बहुत ज्यादा नहीं था। हो सकता है कि आप उस वाली कंपनी में चले जाओ, क्योंकि आप इस बात को प्रायोरिटी दोगे कि आपका मन कहाँ खुश रहता है। जैसे कि यहां पर मैसेज है कि ट्रू सक्सेस वो नहीं है जहां पर आपको ढेर सारा पैसा मिलता है, ट्रू सक्सेस वो है जहां पर आपको खुशी भी मिलती हो। तो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को प्रायोरिटी आप दोगे इस हफ्ते में, ऐसा दिखाई देता है। तो कोई बड़ा सपना आपका पूरा हो रहा है, आपकी पहचान से जुड़ा हुआ, आपके पैशन से जुड़ा हुआ, और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप अपना घर बनवा लो, या आप कोई फ्लैट खरीद लो, ऐसा भी संभव है। या रेंट पर कहीं रहना चाहते थे अकेले अपने दम पर, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो रही है इस हफ्ते में। कोई सपना आपका पूरा हो रहा है ऐसे मान के चलो। कोई बहुत बड़ा सपना है। अगर आप ये देखोगे कार्ड पास से तो आपको समझ आएगा इस इमेज से ये कितनी सेटिस्फाइड है, सी कैसे स्माइल कर रही है, कैसे आराम से बैठी है। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। देखिए यहाँ पे चार्म्स हैं विंडो पर और हरियाली है, सुंदर सा माहौल है, यहाँ पर पेंटिकल है। सो ये संतुष्टि, ये खुशी आपको इस हफ्ते में मिल रही है। अब ये खुशी जिससे भी जुड़ी हुई हो, मैंने यहां पर आपके करियर को लेकर बताया क्योंकि मुझे वही मैसेज सबसे पहले आया, बट अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे इस हफ्ते। आपके लिए यहां पर यह भी संदेश है कि अगर आप अपने सत्य को समझते हो, अपने आप को समझते हो, अपनी इच्छा को समझते हो, अपने पर्पस को समझते हो, तो आपकी लाइफ, आपकी जर्नी काफी इजी हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं ये हफ्ता पूरी तरीके से इसके बारे में है कि आप खुद को जानें, खुद को समझें और अपने अनुसार चीजें करें। ऑथेंटिसिटी जिसे हम कहते हैं, ये उस बारे में है। सो आपकी जो भी इच्छाएं हैं या जिन पर आप काम करना चाहते हो, जिन इच्छाओं पर, जिन ड्रीम्स पर, हो सकता है उससे बहुत ज्यादा वो बैंक बैलेंस आपका नहीं बढ़े, लेकिन मन में संतुष्टि होगी, वो आप इस हफ्ते कर रहे हो। यहां पर क्वीन ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है, तो ये बताता है कि जो आपके अंदर डाउट्स हैं आपको लेकर ना, उसको आप कॉन्फिडेंस में चेंज करोगे, सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में रिप्लेस करोगे आप इस हफ्ते। सो कॉन्फिडेंस है भर भर कर आपके अंदर। तो मुझे ना कैसा लग रहा है, जैसे कि
एक नया तारा उभर कर आ रहा है सामने, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। एक नया चेहरा, एक नया तारा, एक नया टैलेंट जो अभी तक खुद ही नहीं जानता था कि उसमें कितनी चमक है। उस तारे को अभी तक पता ही नहीं था कि वो कितना चमकदार है। अचानक से इस हफ्ते उसको समझ आएगा और तब वो लोगों के सामने आएगा। और अपने ट्रू नेचर को जियोगे आप, अपनी इच्छाओं को जियोगे आप। ऐसा नहीं है कि ये कैसी इच्छाएं हैं, कोई क्या बोलेगा, कोई ताने मारेगा, किसी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको ये होगा मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे से, उस पर आप काम करोगे। और अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो इस हफ्ते भी आप सिंगल ही रहने वाले हैं और अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस जर्नी को आप एंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे, रेड कलर यहाँ पर दिखाया गया है जो कि कॉन्फिडेंस का है, जो कि रूट चक्रा से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्टेबिलिटी का कलर है, पैशन का कलर है, एक वो फायरी एनर्जी है। और यहाँ साथ ही साथ सनफ्लावर्स भी हैं, सो सन की भी एनर्जी है। बहुत ही पावरफुल रीडिंग है आपकी। अगर इस कार्ड को हम देखें तो यहाँ पर भी एस ऑफ सोर्ड्स है, तो न्यू आइडियाज की बात करता है ये कार्ड। सो नए नए आइडियाज हैं, नयापन है, पावर है, स्ट्रेंथ है। सो आप अपनी इस एनर्जी को एंजॉय करो, आपको कोई नहीं चाहिए, आप अकेले हो और आप इसको एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि वो अकेलापन ही आपको खुशी दे रहा है, आपको कोई चाहिए भी नहीं। और अगर आप हो किसी के साथ में रिलेशनशिप में, तब भी आप अपनी पहचान अलग बनाओगे और अपनी जर्नी को इस हफ्ते जियोगे। मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि ऐसा नहीं है आपको सामने वाले से प्यार नहीं है, अगर आप मैरिड हैं तब भी वो नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन आपकी एक पहचान बन रही है ना इस हफ्ते, वो बहुत बड़ी चीज है फॉर यू। तो आप उसको एंजॉय करोगे। आपके लिए ये नहीं है कि बहुत सारे लोग होने चाहिए, ऐसा वैसा। आपके लाइक ऐसे होगा कि ओके, ये पूरा जो मोमेंट है ये मेरा है, ये पूरा हफ्ता मेरा है। फूल अपने फ्रीडम को एंजॉय करोगे कि आपको किसी के सामने ना हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इससे पहले हो सकता है यही होता हो, अभी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। जॉब लग सकती है आपकी अगर नहीं लगी हुई है अभी तक, बिजनेस कर सकते हो आप, डिवाइन टाइमिंग है आपकी। तो ईश्वर से जो भी आपने मांगा है इस हफ्ते आपको मिल रहा है। 10 of Cups भी है, तो अगर आप शादी चाहते थे, पार्टनर चाहते थे, तो वो भी है। मैरिड हो तो बहुत ही अच्छा समय आपका रहेगा आपके पार्टनर के साथ, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, और नहीं तो आपको लगेगा कि अब जैसा परिवार आपको चाहिए आपको मिलेगा, क्योंकि अब आप अपनी पहचान बना चुके हो। तो अपनी कंडीशंस अब आप रखोगे लोगों के सामने, ऐसा होगा। तो अफर्मेशन क्या है इस हफ्ते के लिए? स्टूडेंट हो अगर आप, तो आपके लिए भी यह हफ्ता बहुत शुभ है। आपको समझ आएगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है, प्लानिंग कर पाओगे। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। तो ये चीज आपको समझ आएगी एक्चुअली, कि जो चिंता है उससे कभी आउटकम चेंज नहीं होता। जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि चिंता मत करो, स्ट्रेस मत लो, परेशान मत हो, उससे कुछ बदलेगा नहीं। बदलेगा किससे? जब आप प्रयास करोगे और पॉजिटिव रहोगे। तो वही अफर्मेशन आपके लिए आया है। ये अफर्मेशन आपको बोलना है हर सुबह उठकर, सोने से पहले भी, चाहे तो पूरा दिन जब दिल करे इसको पढ़ सकते हो। तो ये चीज जब आपको समझ आएगी ना, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाओगे, खुश रह पाओगे जीवन में। ऑलराइट, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है कन्या, तो चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सन। ऑल राइट, ओके। सो ये हफ्ता थोड़ा सा ना स्लो है आपके लिए। मतलब थोड़ा आप रेस्ट करने के मूड में रहोगे, काम करने का दिल नहीं करेगा,
एंड आप चाहोगे कि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ बहुत शांति हो, जैसे कोई हिल स्टेशन, ऐसी कोई जगह। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा समय अपने रूम में बिताएंगे, या आपको खाली बैठना पसंद होगा, बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं करना है ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं एक बात बताऊँ, ये ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि शायद आप बहुत काम करते हो, या हो सकता है इस महीने बहुत काम आप पर पड़ गया हो, क्योंकि यहाँ पर मैसेज भी आपके लिए वैसा ही है कि थोड़ा रेस्ट करो, बहुत हो गया, थोड़ा खुद को समय दो, थोड़ा पार्लर होकर आओ, थोड़ा बॉडी मसाज लेकर आओ, अरोमा थेरेपी जैसी जो चीज़ें हैं उनको भी एक्सपीरियंस करो। सो कहीं ना कहीं खुद को शांत करने की, खुद को आराम देने की एनर्जी है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, तो आपको बोला गया है कि आप थोड़ा अपना मन शांत रखें, दिमाग अपना शांत रखें और समय दें खुद को हील करने के लिए। ओके, सो हफ्ता भी ऐसा ही है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो चीज़ हमें चाहिए, यूनिवर्स हमें उसी तरीके के विचार देने लग जाती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं और हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो बॉडी भी हमें बोलती है और यूनिवर्स भी ना रोक लगाएगी आपके काम में, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि देखो भाग्य खराब है, देखो भगवान साथ नहीं दे रहे, देखो ये देखो वो। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स को पता है कि उस समय आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, और आप ऐसे रेस्ट नहीं करोगे तो वो काम रोकती है आपके, क्योंकि मजबूरी में आपको रेस्ट करना पड़ता है। तो वो चीज़ इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको भी मैं बोलूँगी कि शायद कई घंटों तक आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा आराम करिए, क्योंकि क्या होगा ना कि लगातार अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे दिमाग में कुछ भी नहीं टिकेगा, भरोगे आप बहुत कुछ, फिर जब लिखने जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करो। जब आप रेस्ट करोगे, जैसे कि हम योगा करते हैं ना, तो हमें बोला जाता है लास्ट में शव आसन में रहने के लिए, जहां पर हम डेड बॉडी के जैसे हो जाते हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये करके क्या ही होगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो जितने भी हमने पोजेस किए थे ट्राई, उन सब का फल हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम योगा करें और डिफरेंट डिफरेंट पोजेस करें, कुछ हल्के फुल्के होते हैं, कुछ काफी मुश्किल हो जाते हैं करने में, उसके बाद हम थोड़ी देर यूं ही बिल्कुल रेस्ट करें, कुछ ना करते हुए, हाथ पैर ना हिलाते हुए, आंखें बंद करते हुए, सांस लेते हुए गहरी गहरी, ताकि जो भी हमने सारा सब कुछ मेहनत करी उसका पूरा फल मिले। वैसे ही जब आप पढ़ते हो ना इतने इतने घंटों, तो आपको 1 या 2 दिन बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, सो दैट आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में अच्छे से बस जाए। नहीं रेस्ट लोगे, लगातार पढ़ोगे और कहोगे अरे आधा घंटा भी 15 मिनट भी वेस्ट नहीं हो जाए, तो उससे होगा क्या कि आप पढ़ोगे ढेर सारा, लेकिन उसका आउटकम आपको उतने बेहतर तरीके से नहीं मिलेगा। और अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप लोगों को भी मैं वही कहूंगी। ठीक है, तो आपको रेस्ट लेना है, और ये रेस्टिंग एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है कि आपको रहेगा। चीजें थोड़ी सी, हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन ऑब्स्टिकल्स आने का रीजन यही है कि आप रेस्ट करो, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर ये भी आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है कि कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी आपको पता चलेगा जो कि आपके लिए बहुत सच्चे नहीं हैं, बट आपको सच्चे लग रहे हैं। और इसके लिए भी यूनिवर्स व्यवस्था कर रही है कि आप थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं किसी चीज के बारे में, आप लगातार मशीन के जैसे काम कर रहे हैं, आपका ख्याल ही नहीं कुछ किसी की तरफ जा रहा है, ध्यान ही किसी की तरफ नहीं जा रहा है, तो कोई क्या कह रहा है, इंटेंशन क्या, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, राइट? तो जब आप थोड़ा रेस्ट करोगे तो कुछ बातों के बारे में सोचोगे, कुछ बातें याद करोगे, हो सकता है पुरानी कुछ चीजें आप देखो, पुरानी कुछ चीजों पर आपका ध्यान जाए, और वहां से आपको समझ आए कि कुछ लोग आपके जीवन में अभी भी ऐसे हैं जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, सामने से बातें मीठी करते हैं, पीठ पीछे प्लानिंग कुछ और कर रहे हैं, तो उसका भी आप सामना करोगे इस हफ्ते में। ये भी आपको समझ आएगा खुद के बारे में इस हफ्ते में कि कहां पर आप सेल्फिश हो रहे हो हद से ज्यादा। ओके, अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं,
आपका काम करने का जो भी तरीका है उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, और आपको एहसास नहीं हो रहा कि आपके काम करने के तरीके से आपके अंडर जो लोग हैं उनको ये लगता है कि आप सेल्फिश हो, या हो सकता है कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, तो उसका एहसास आपको इस हफ्ते होगा, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से ग्रो भी आप नहीं कर पाओगे, प्लस एक दिन ऐसा आएगा कि सारे इकट्ठे खड़े हो जाएंगे आपके विरोध में। और अगर ये किसी कंपनी को लेकर नहीं है, आपकी कोई कंपनी नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये जहां पर आप जॉब कर रहे हो वहां से जुड़ा हो सकता है, या आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स को लेकर हो सकता है। क्या पता वो सारे लोग सोच रहे हो कि आप बहुत सेल्फिश हो, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, खुद के बारे में सोचते हो, ये सारी चीजें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो उसके बारे में आपको समझ आएगा और क्या स्टेप आपको लेना है वो आप सोच पाओगे इस हफ्ते में। ये भी होगा क्योंकि ये चीज यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। देखिए कितने सारे लोग ना आपको पॉइंट कर रहे हैं कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि इस हफ्ते में आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं उनके बारे में सोचने की जरूरत है और उनका हल ढूंढने की जरूरत है। गाइस, अगर आप ये करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि लोग आपको ब्लेम करेंगे। ओके, सो कैसे उस ब्लेम से छुटकारा पाना है, कैसे इस एनर्जी से बाहर आना है, इसके बारे में थोड़ा सोचना है, समझना है। इस हफ्ते आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसका फायदा उठाएं, और जैसे ही आपने इसके बारे में सोचा समझा, सन की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि फिर ये हफ्ते का जो एंड है बड़ा ही खूबसूरत होगा, और अगस्त तक आपकी जर्नी काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, स्मूथली ऐसा होगा। लवर्स का यहाँ पर कार्ड ही कार्ड में दिखा नहीं सकती गाइस आपको। कोई कह रहा था पलट के रख दिया करिए, तो पलट के कैसे रख दूं, मतलब ऐसा तो यहां तो कुछ दिखेगा नहीं ना। सो लवर्स का कार्ड है, बस इतना बता रही हूं। दूसरा है यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स एंड सिक्स आया है आपके लिए, और एस ऑफ सोर्ड्स। अपने पास्ट के बारे में भी सोच सकते हैं इस हफ्ते आप, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने एक्स के बारे में ख्याल आपके मन में आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नए कनेक्शन को इस हफ्ते मैनिफेस्ट कर लें जाने अनजाने। अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं और आपने सोचा है कि आप कभी शादी नहीं करोगे, ऐसा कुछ विचार है आपका, उनके लिए भी ऐसा आ रहा है कि आप अनजाने में किसी को तो मैनिफेस्ट कर लोगे, जो कि इस वीक के एंड में आपको मिल सकता है, या फिर अगस्त में आपको कोई मिल सकता है, आपके लिए संदेश है। ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो अगर, तो रिलेशनशिप में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं, वो भी आपको समझ आएगा। प्रॉब्लम का सलूशन क्या ढूंढना है वो भी आपको समझ आएगा। एक्चुअली आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं ले पा रहे हो फॉर सम रीजन। एडवर्सिटी का यहां पर कार्ड आया है, अफर्मेशन आया है, जो आपको चैंट करना है आपको सुबह जागने के बाद, सोने से पहले, और किसी भी वक्त आप चाहें तो कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो आपको समझना है कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं सबसे बेहतर तरीका है कुछ सीखने का, कुछ समझने का, और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने का। सो ये आपके लिए अफर्मेशन है, आप इसको चैंट कर सकते हो, दोनों को ही कर सकते हो। ओके, दोनों ही दिखा देती हूँ। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और रेजोनेट किया है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है टॉरस, तो चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। Ace of Wands, Seven of Pentacles, Ten of Swords, Knight of Cups. All right. सो मिले जुले फल हैं आपकी मैनिफेस्टेशन के इस हफ्ते में। मैं देख रही हूं कि आइडियाज बहुत आएंगे आपके माइंड में कुछ नया करने के लिए, जैसे कि अगर आप यूट्यूब पर हो तो किस तरीके के व्लॉग्स आपको बनाने चाहिए, या आप अगर
किसी बिजनेस में हो तो क्या ट्रिक्स आपको अपनानी चाहिए, जॉब कर रहे हैं तो वहां पर प्रमोशन के लिए क्या करना है, तो वो सारे आइडियाज आएंगे। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो क्रिएटिविटी कैसे दिखानी है, ये सारे आइडियाज आपको इस हफ्ते में आएंगे। और कैसे अपने पैशन से आपको सक्सेस अट्रैक्ट करनी है, उसके भी आइडियाज आपको इस हफ्ते में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बड़े अच्छे से काम करेगा एंड आपका क्राउन चक्रा भी काफी अच्छे से काम करेगा। प्लस यहाँ पर रेड कलर है जो कि रूट चक्रा की भी बात करता है, तो काफी हद तक आप स्टेबल भी महसूस करोगे। तो इसका मतलब है कि अभी जो भी जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो उसमें काफी लाभ आपको मिलेगा, और नया भी कुछ आप करोगे जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। तो दोनों ही चीजें हैं, यानी कि ऑलरेडी कर रहे हो उसको आगे कैसे बढ़ाना है और कुछ नया भी कैसे क्रिएट करना है। सो ये सब कुछ इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ये भी यहाँ पर आपके लिए संदेश आता है कि जो ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप उसको, उसके महत्व को समझते हो, उसको नर्चर करते हो और उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, तो वो चीज कितनी फलती फूलती है ये आपको समझ आएगा और ये आप ट्राई भी करोगे। हो सकता है किसी के कहने से या यूं ही आपको कुछ एहसास होगा, जैसे किसी भी चीज के लिए आपने कभी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया या किसी चीज को बहुत ज्यादा आप नर्चर कर रहे हो क्योंकि वो चीज आपको खूबसूरत लग रही है, तो वो ग्रो करती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने कोई पौधा लगाया है कुछ एक महीने या हफ्ते भर पहले और आपने उसकी सेवा करी है अच्छे से और आपने उसके लिए भगवान को धन्यवाद किया, यूनिवर्स को धन्यवाद किया कि भाई वो पौधा आपको मिल गया, आप देखोगे वो बढ़ता चला जा रहा है जल्दी जल्दी से और बाकी के जो पौधे हैं उतना ग्रो नहीं कर रहे। तो यूनिवर्स इस तरीके से आपको एक साइन देगी कि देखिए, जिसको आप प्यार देते हो, जिसको आप नर्चर करते हो, जिसके लिए ग्रेटिट्यूड रहता है आपके मन में, वो चीज कितना जल्दी ग्रो करती है। देन धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो और भी गोल्स हैं उनके प्रति भी आपका वैसा ही नजरिया बन जाएगा, एंड जो लोग आपके पास हैं उनके प्रति भी, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, या आप जॉब कर रहे हो तो आपकी पोजीशन, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के प्रति ग्रेटिट्यूड रहेगा। और आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जैसे आपको ट्रिक पता चल गई है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, जो भी चीज चाहिए उसको नर्चर करो, जितना नर्चर करोगे, प्यार दोगे, वो बढ़ेगा। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और यहाँ पर उसी की वजह से मैं आपको ग्रो करते हुए देख रही हूं। तो पैसे की कोई कमी यहाँ इस हफ्ते मुझे दिखाई नहीं दे रही, बल्कि कुछ और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश आपकी रहेगी और वो कामयाब रहेगी। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं देख रही हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको तकलीफ देती हैं या जिनसे आपको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, उन चीजों को आप एंड कर रहे हो फाइनली। या जैसे मान लीजिए कोई कनेक्शन आपका था पुराना जो कि अभी नहीं चल पाया और आपको लग रहा है कि अब नहीं उसके बारे में सोचना है, तो उससे जुड़ा जो भी सामान होगा उसको आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हो और जो भी चीजें हैं उससे जुड़ी उसको खत्म कर देने वाले हो। किसी भी तरीके की कोई ऐसी मेमोरी आप नहीं रखोगे जैसे कि आपका दिल दुखे या आपका पास्ट आपको बार बार याद आए, वो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी की अच्छी भी मेमोरीज हैं और आपको लग रहा है कि उनसे आप अटक रहे हो, जैसे कि कई बार हमारे अपने जो लोग हैं वो चले जाते हैं, हमें धोखा नहीं दिया, हमें तकलीफ नहीं दी, बट उनका टाइम था जाने का, वो चले गए। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं, चले जाने से मेरा मतलब आप समझ रहे हो, तो अब उसमें कोई क्या करे, राइट? लेकिन उनको भी याद करके हम अटक जाते हैं कई बार, तो उनसे जुड़ी जो भी यादें हैं आप खत्म करोगे। यानी कि इस हफ्ते आप नहीं चाहोगे कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आप रुकते हैं आप रुकें और ज्यादा, या उस मेमोरी को हावी होने दें। आपको प्रेजेंट जीना है, ना आपको पास्ट में जीना है ना आपको फ्यूचर में जीना है, आपको जो अभी मोमेंट आपको मिला है उसको सेलिब्रेट करना है। सो ये वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं आप रहोगे और जैसे ही इस एनर्जी में आओगे आप देखोगे कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लग गए हो। अगर सिंगल हो आप तो सिंगल ही मुझे दिख रहे हो, किसी का साथ अभी आपको मिले ऐसा नहीं मैं देख पा रही हूं। अगर हो ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड हो तो रिश्ता आपका अच्छा चलेगा इस हफ्ते, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी उनको आप एंड कर दोगे। आप नहीं चाहोगे कि आपका जो वर्तमान है वो बिगड़े। स्टूडेंट है अगर आप, तो आपके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। आपने अभी कोई एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं आया है तो उसके दुख को भूलकर नई शुरुआत कैसे करनी है इसके बारे में आप सोचेंगे। और अगर आपने कोई एग्जाम अभी दिया है जिसका रिजल्ट नहीं आया है तो उसके प्रति जो चिंताएं हैं उनको आप दूर करोगे, यानी कि आप सोचोगे कि जो है सो है, अब तो किसी
क्योंकि एग्जाम ही दे दिया, तो अब इतना ज्यादा फ्यूचर का सोचकर मुझे अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना है, और यही सोच कहीं ना कहीं आपको सफलता की तरफ मोड़ देगी। तो कुछ ऐसा ये हफ्ता आपके लिए रहने वाला है, कुछ भी ऐसा जो आपको अटैच रखता है, अटैचमेंट आपका बढ़ाता है, आप उससे मुक्त होंगे इस हफ्ते, क्योंकि अटैचमेंट ही कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन दे रहा है। तो लेट गो की एनर्जी है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है, हार्ड वर्क की, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है, और यही हमें चाहिए रहता है। लेट गो कर दो, जाने दो। जब आप कहोगे कि जाने दो, तो वैसे ही आपको ये दो चीजें मिलेंगी, एक तो मजिशियन और दूसरा सन। ओके, तो ये खुशियां आपको तभी मिलेंगी जब आप लेट गो कर दोगे। अब ये जो भी लेट गो हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, अगर आप सिंगल हो और बहुत ज्यादा सोचते हो कि कोई तो मिले, वो चीज चलती रहती है माइंड में, उसी की वजह से वो चीज नहीं मिल रही है। तो जैसे ही आप सोचोगे कि छोड़ दो, मुझे नहीं अब चाहिए कोई, वैसे ही वो आपकी विश पूरी हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैं देख रही हूं आपको मेमोरीज को हटाते हुए, या किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर हो जिससे आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, जिनके मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हो, राइट, नहीं हो पा रहा है आपसे कॉन्टेक्ट, नहीं सामने वाला बात कर रहा है, तो आप वो एंड करोगे कि ठीक है मुझे नहीं, नंबर आपने हटा दिया, पिक्स आपने हटा दिए, सब कुछ वो रिमूव कर दिया। जैसे ही आप करोगे, आपके अंदर पावर आएगा, बेहतर तरीके से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि पता है ये एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, होप्स जो होती है ना, ये मेमोरीज होती है ना, आपको कमजोर बनाती है, ये हर वक्त आपके दिमाग में घूमती है, तो आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते। आई थिंक इसी वजह से ये वाली एनर्जी आ रही है। जैसे ही आप ये सब कुछ एंड करोगे, आपके माइंड में आइडियाज आने लगेंगे, आइडियाज आएंगे तो आप बेहतर सोच भी पाओगे, बेहतर कर भी पाओगे। एंड देन सन की एनर्जी आ जाती है, वे सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है 1 और 6 का। सो कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की एनर्जी है, नई शुरुआत करने की एनर्जी है, और बहुत अच्छा मुझे लगा जो डेविल की एनर्जी के साथ में 8 ऑफ सोर्ड्स आया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अटकन थी। सो फाइनली अटकन से आप मुक्त होंगे। प्रमोशन है यहां पर मैं देख रही हूं आपके लिए, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ग्रोथ है। पर्पल कलर अगर आप यूज करें इस हफ्ते तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, हेल्थ भी यहां पर आपकी सुधर रही है। और मैं दिखाती हूं आपके लिए अफर्मेशन क्या है। टंटना, किसी के लिए नहीं आया ये कार्ड, पता है सिर्फ आपके लिए आया है। आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी, एंड दैट्स व्हाई आपके लिए मजिशियन का कार्ड आया है। सो इस अफर्मेशन को आप चैंट करेंगे, इसका फोटो आप ले सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, अपने तकिए के नीचे रखिए, बैग में रखिए, जब दिल चाहे इसको निकालो और पढ़ो, और चाहो तो डायरी में लिख भी सकते हो 30-40 टाइम्स इन अ डे विद द रेड इंक, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। सो अबंडेंस को अब आप अट्रैक्ट करोगे इस एनर्जी के साथ। आपके लिए पता है क्या है, मुझे नहीं पता आपका चार्ट क्या होगा, लेकिन कोई तो प्लैनेट ऐसा है जहां पर ये रिटर्न है कि जब आप गिव अप करोगे ना, तभी वो चीज आपको मिलेगी। क्योंकि आप देख सकते हो, ये देखो, तो जब आप ये बोलोगे ना कि ठीक है मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए अब और प्रयास नहीं करना है, ऐसा कि शायद ये बनेगा ही नहीं, तभी वो चीज आपको मिल जाएगी। तो लेट गो का जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स वो आपको सिखा रही है, वो कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगा। ये कार्ड है, ये कार्ड है, और ये कार्ड है, कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। सो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, इसको सेलिब्रेट करिए। और जो लोग भी आपको हेल्प करने के लिए आते हैं इस हफ्ते में, उनकी हेल्प लीजिए और बात भी सुनिए। अगर कोई आपको सलाह देने आता है, कुछ समझाने बताने आता है, तो उनकी बात सुनिए। ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हो। ओके, कई बार आपसे छोटे लोग, कई बार आपसे बड़े लोग, मैं उनकी बात कर रही हूं जिनको देखकर आपको लगता है अरे ये तो इस जमाने का क्या जाने, तो पुराने जमाने के हैं। नहीं, हमेशा ये चीज काम नहीं करती, उनका एक्सपीरियंस काम करता है, चाहे कोई भी जमाना हो कुछ चीजों को लेकर। तो सबकी बात सुनिए, जो छोटा है उसकी भी बात सुनिए, हो सकता है भगवान उसके जरिए कुछ कहलवाना चाहते हो, तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या निकल जाए उसकी बातों से, राइट, क्या हमें पता लग जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हफ्ते सुनिएगा लोगों की बात और मानिए और उसको अप्लाई करिए इन योर लाइफ।
ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक लव यू। बाय बाय।